मेल कैरेक्टर वो मुश्किल में, और उसको बचाने के लिए हमारे पास हीरोइन है. एक्चुअली मैं एक्चुअली शूट करते पहले को यही बोलती थी, मैंने कहा यू आर द बेचारी लड़की. Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. अंगना इस वक्त ट्रेंड भी कर रहा है, बहुत बातचीत भी हो रही है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. उस पर जो टॉपिक्स फीचर किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनमें थोड़ी एग्जैजरेशन है, लेकिन हमें ऐसे बहुत से रियल लाइफ केसेस आसपास नज़र आते हैं, स्पेशली जैन और इशाल का जो ट्रैक है. तो आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं अली अब्बास और रबाब, और हम बात करेंगे जैन और इशाल से और पूछेंगे, भाई इशाल आपको कितना टाइम लगेगा छोड़ के जाने का, और आर यू गोइंग टू बी द सेवियर फॉर जैन दिस टाइम? आर वी गोइंग टू टेक द रिवर्स साइकोलॉजी या रिवर्स ट्रैक, देखेंगे कि डैम्सल इन डिस्ट्रेस को शहजादा बचाने नहीं आ रहा, इस वक्त शहजादे को शहजादी बचाने आ रही है. मैं उनका ट्रैक देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है. सो कुछ बातचीत करते हैं, और ऑफकोर्स थप्पड़ क्यों मारा यार. सो सवाल डायरेक्टली उनकी तरफ लेके चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक. हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है. बड़ा मज़ा आ रहा है कि आप दोनों यहाँ पे, हम ऑफ कैमरा भी कुछ बातें कर चुके हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि जो चीज़ें मैंने कुछ नोट करके जहन में सवाल रखे थे वो अली से अभी बात हुई. अली ने कहा आपने ये बात भी कर ले, मैंने कहा अली सवाल पूछ लूँ फिर कुछ रह जाएगा तो आप कर लीजिएगा. सो आई एम ग्लैड कि आई वॉज थिंकिंग ऑन द सेम ट्रैक कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है, एंड आपका भी यही इंटेंशन थी कि इस जब आप स्क्रिप्ट चूज़ कर रहे होंगे तो जहन में यही बातें रखी होंगी कि ये टॉपिक्स हमें कम्युनिकेट या ये मैसेजेस हमें देने हैं ऑडियंस को. सो कमिंग टू माई फर्स्ट थिंग, आपको को लग रहा है, मुझे लगता है जब मैं जैन और इशाल का ट्रैक देखती हूँ, सॉरी मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी क्योंकि ये लोग शूट छोड़ के आए हैं, इनको वापस जाना है, मुझे भी नहीं जाना है. सो हम टू द पॉइंट, पहले मैं छोटी बड़ी गुफ्तगू करती हूँ ना कि क्या हाल है, शादी कैसी जा रही है, आपके बच्चे कैसे हैं, दोनों को डायरेक्टली इंट्रो जैन और इशाल, हम इनके जवाब आपको बीच बीच में दे देंगे. अच्छा, सो मैं जब इशाल और जैन का ट्रैक देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी इंट्रो में बोला कि मुझे ये कहानी डिफरेंट लगती है, इन द सेंस कि यहाँ पे एक हीरो है, एक मेन जो लीड है मेल कैरेक्टर, वो मुश्किल में है, उसकी ज़िंदगी में दुख है और उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, और उसको बचाने के लिए हमारे पास एक हीरोइन है, एक लड़की है. मैं एक्चुअली शूट करते पहले को यही बोलती थी, मैंने कहा यू आर द बेचारी लड़की. बट सच अ रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि क्योंकि वो जब वो वाला सीन भी है जब वो अम्मा से छुपके बीवी को लेकर आते हैं, रखते हैं वो दोनों, वो जब चांद भी देख रहे होते हैं तो जिस तरीके से उसको बोल रही होती है दैट यू नीड टू यू नो रिलैक्स अ लिटिल बिट, तभी से मेरे जहन में चल रहा था कि ये डैम्सल इन डिस्ट्रेस की स्टोरी रिवर्स पे चल रही है. एक्चुअली राबिया, इट्स सो इंटरेस्टिंग. मेरे पास जब इनिशियली स्क्रिप्ट आया तो मैंने इसको एज अ कन्वेंशनल स्क्रिप्ट ही देखा ना, कि ये शादियाँ हो रही हैं, चार लड़कियाँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. बट जब मैंने इशाल का ट्रैक पढ़ा ना तो मुझे लगा कि इसमें वो मार्जिन है, वो पोटेंशियल है इस ट्रैक में कि हम एजुकेट भी कर सकते हैं साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग आफ्टर गोइंग ऑन एयर प्रोजेक्ट जैसे गया, फीडबैक आना स्टार्ट हुआ तो वी रियलाइज लोग रिलेट कर रहे हैं इससे, विच मीन्स कि इस तरह के डिसफंक्शनल कैरेक्टर्स सोसाइटी में हैं. बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे सास डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है, सो दे रिलेट टू दैट. हस्बैंड है हु कम्स फ्रॉम अ डिसफंक्शनल हाउस होल्ड तो वो एक सर्टन वे में बिहेव करता है. सो आई फेल्ट लाइक दीज कॉन्वर्जेशंस ये हम नहीं करते नॉर्मली. अगर हम दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं एक डोमिनेटिंग लड़का, एक बहुत बेचारी लड़की. बट इधर आई फील यू राइट कि वो इक्वेशन ही रिवर्स हो रही है, इधर शी सेविंग हिम टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड आई वोंट गिव एनी स्पॉयलर्स, लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन टू हैव. एंड जब मुझे पता चला कि ये मैं कर रही हूँ कैरेक्टर, आई यू नो मेड अप माय माइंड कि करना है, तो मेरा पहला सवाल ये था कि ये जो जैन है ये कौन प्ले कर रहा है और ये सायरा कौन है, ये बताएं सबसे पहले, क्योंकि कैरेक्टर्स इसमें बहुत सारे हैं. बट आई वाज लाइक दीज टू कैरेक्टर्स हैव टू बी स्ट्रांग, एंड देन दे टोल्ड मी कि अली अब्बास है एंड रुबीना अशरफ है. मैंने कहा आपने उनको लॉक कर लिया है? तो दे वर लाइक या कर लिया है. मैंने कहा देन आई एम डूइंग इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द वे अली हैज प्लेड द कैरेक्टर, तो वो आपको बहुत ज्यादा रूम मिलता है टू रिएक्ट टू इट, एंड आई थिंक दैट हैज रियली मेड अ डिफरेंस. अली आपकी क्या प्रायोरिटीज थी या क्या जहन में चला था, स्क्रिप्ट आया कैसे, कोई कहानी है उसके पीछे? जी, मुझे जब अब्दुल्ला ने पहली बार कॉल की एंड उसने बताया कि ये मैं एक प्ले बनाना चाहता हूं, मैंने आउटराइट मना कर दिया कि नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने तब तक स्टोरी नहीं सुनी थी, मुझे बताया गया था कि चार लड़कियां और उनकी चार फैमिली, तो मैंने कहा यार बहुत, तो आप डर गए लड़कियों से, आपने कहा चार लड़कियां मैं नहीं जा रहा. चार लड़कियां मेरे साथ होती तो ओके था वो मसला नहीं मुझे हुआ कभी. लेकिन चार ट्रैक्स बेसिकली, तो आई थॉट कि यार दैट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट फैमिलीज, बहुत रश वाला काम है. बट देन ही सेड कि एक मीटिंग कर लें आप तहसीन जो डायरेक्टर है उनके साथ,
और मेरे साथ. तो जब मैंने मीटिंग की और उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया तो मुझे लगा कि हाँ यार इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली ड्वेल इन टू समथिंग एल्स जिसके बारे में आज तक कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा कि किसी जगह पर बात हुई. जो ये इसके अंदर जो PTSD जो पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है इसके अंदर ये टॉपिक कभी टच ही नहीं हुआ हमारे यहाँ, स्पेशली मर्दों पे नहीं हुआ. मर्दों पे औरतों पे होता है फिर भी, लेकिन मर्दों पे कभी भी मैंने नहीं, मतलब मुझे याद नहीं, औरतों पे भी बड़ा नहीं होता उसी तरह से, नहीं हाईलाइट इस तरह नहीं होता. सो मुझे लगा कि यार दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम ये बात कर सके. प्लस आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ के रबाब और रुबीना जी ये दोनों इस ट्रैक में सिर्फ तीन लोग जी सो वो ये दोनों मेरे को एक्टर्स हैं बिकॉज दे सो गिविंग सो इन सिंक विद एवरीथिंग कि मुझे मुश्किल आई नहीं कभी भी. एंड प्लस हम ये करते हैं कि लेकिन नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग कम्स इन अ परफेक्ट फॉर्म टू अस. समटाइम्स बहुत अच्छा सीन होता है, समटाइम्स हमें लगता है कि नहीं यार इधर हम डिसएग्री कर रहे हैं सीन के साथ. सो हम डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर इज काइंड इनफ कि वो हमारे साथ इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम बैठते हैं डिस्कशन करते हैं, इनका इनपुट होता है, रुबीना जी का इनपुट होता है, एंड देन वी गो फॉर द सीन. जब हम सारे एक पेज पे आ चुके होते हैं यार ये करना है. सो मेरा करने का रीजन जो है वो ए सब्जेक्ट एंड बी कास्ट. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कास्ट के साथ में कंफर्टेबल था एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं. टॉक्सिक एनवायरनमेंट में करेंगे तो आप कभी भी मैसेज डिलीवर नहीं करेंगे. हमारा माशाल्लाह इतना रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है एंड बहुत सारी दफा हम लोग एक दूसरे को कॉल करके बोल रहे होते हैं यार इसमें ये ऐड करना है. सो व्हेन वी स्टार्टेड दिस, बिकॉज मैंने अली ने और रुबीना अपने 2017 एक प्रोजेक्ट किया था, मैं माँ नहीं बनना चाहती. सो दैट प्रोजेक्ट रेज्ड द इशू ऑफ कजिन मैरिजेस एंड यू नो स्टिल बॉर्न बच्चे एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके बाद वी वर कमिंग टुगेदर फॉर दिस एंड आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो हम तीनों ने आइडेंटिफाई की वॉज दिस कि इसका ये जो मैसेज है ना हमें ये ऑडियंस तक पहुँचाना है, वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स दिस. तो सीन बाय सीन लिटरली एवरी सिंगल सीन वी हैव डन टू दिस डे तो हम वी वर्क टूवर्ड्स दैट कि यार ये अगर हम इस तरह करेंगे ना तो ये शायद ऑडियंस तक ये वाला मैसेज जाएगा. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आपका काम मीनिंगफुल हो और आपको करते हुए लगे कि यू आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. ठीक है, तो मैं पहले ये पूछूं कि सब्जेक्ट इसका है क्या, टॉपिक क्या है, क्योंकि मुझे दो तीन कॉन्सेप्ट्स नज़र आते हैं. मुझे नज़र आता है कि इशू ये है कि सिंगल मदर्स जब अपनी लाइफ में इतना ऐसी आ जाती है कि उनको कंपेनियनशिप अपने बेटों में ढूंढनी पड़ती है या वो हो जाता है. एंड मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसा करते हैं, बट कुछ जगह ये होता है, कुछ जगह सिंगल मदर थी वैसे भी माएँ ऐसी हो जाती हैं कि वो बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग. तो वो कंट्रोलिंग मदर इन लॉ का है या फिर ये जैसे आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक बोला उसका है, तो ये या फिर इन लॉज की कितनी जिंदगी में लड़का लड़की की इंटरफेरेंस कितनी है, उससे क्या होता है कंट्रोल. तो ये क्या एक बेसिक थीम है, इसकी क्या मैसेज है या मल्टीपल मैसेजेस हैं जो आप लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मल्टीपल मैसेजेस हैं. देखिए है, हर इंसान अपने आप में एक स्टोरी होता है. ठीक है, हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल किसी ना किसी वॉर में होता है. मुझे लगता है कि हम तीनों एक अलग अलग स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. जो एक जगह पे जलन हो रही है. सही है. जैसे इसके मॉर्निंग शो में जब हम गए थे तो वहाँ पर हमने ये बात क्लियरली की थी कि ये एक डिसफंक्शनल फैमिली मीटिंग अ वेरी हैप्पी फैमिली है. ठीक है, और उसके असरात क्या होते हैं. सो नाउ रुबीना जी का कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. अगर आप उनके कैरेक्टर को देखें, शी इज़ अ सिंगल मदर जिन्होंने बहुत तकलीफें उठाई एंड देन ऑब्वियसली वो अपने बेटे के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव होगी. हर किसी का प्यार का तरीका अलग होता है, हर किसी का डांट का तरीका अलग होता है. तो उनका तरीका ऐसा है कि जिसमें नॉट शी इज इन माई ओपिनियन शी इज़ नॉट एन ईविल कैरेक्टर, शी इज़ जस्ट वन पर्सन हु हैज़ लिव्ड हर लाइफ इन टफ टाइम्स एंड शी इज़ बिकम दैट वन सायरा who's possessive about her son, who doesn't want the control to be gone to the bahu. And that's her. I think jo Ishaal ka character hai, jo rabab kar rahi hai, and I must say ki she's done an amazing job. I'm again so happy that she's doing this character. wo represent kuch aur kar raha hai, wo bechari aurat ko represent nahi kar raha by any means. At least meri nazar mein she's not a bechari aurat. She's somebody who took her time to first grasp and understand कि ये हो क्या रहा है, ये
कि ये कभी यूं होता है तो कभी यूं होता है, चक्कर क्या है. एंड देन शी इज वन रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अपनी फैमिली में भी शी वॉज रनिंग द बिजनेस एंड एंड आई एम श्योर जो बिजनेस चला रही है वो प्रैक्टिकल होगी, इमोशनल नहीं होगी उस हद तक कि वो फॉरन पहले दिन जाए और जाके माँ बाप से कहे कि जी वो तो यूं है और सास मेरी यूं है. सो आई थिंक वो बहुत सी चीज़ों को देख दिखा के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रही है. प्लस आई थिंक शी हैज़ डिवेलप्ड सम फीलिंग्स फॉर हर हस्बैंड व्हिच इज़ वेरी नेचुरल. तो वो उसको इस तरह तो छोड़ के नहीं जा सकती व्हेन शी कैन सी कि वो उसके हाथ पकड़ पकड़ के माफिया मांग रहे हैं एंड लिविंग इन दैट हाउस होल्ड. उसको ये नजर आ रहा है ना कि ही इज नॉट डूइंग व्हाट ही इज डूइंग ऑफ हिज ओन. वो एक सर्टेन वे में रिएक्ट करता है. जब माँ होती है तो वो कुछ और होता है, व्हेन ही इज विद हर तो वो कुछ और होता है. तो आई थिंक एज ईशाल द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी वॉज दिस कि इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं है कि आप आउटराइट रिजेक्ट करके अपना घर यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम इट. कभी कभार जब व्हेन यू गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप आपको असेस करने में भी टाइम लगता है कि ये हो क्या रहा है, क्या वो है सेटअप है. बिकॉज इवन टू दिस डे हमारे माशरे में शादी को ख़त्म करना कोई इतनी छोटी बात नहीं है. विच वी वर डिस्कसिंग जस्ट नाउ कि वो इतनी छोटी बात नहीं होती. तो फॉर अ गर्ल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि जिन डायनामिक्स में आप आए हो वो आपसे डिफरेंट हैं एंड यू स्पेंड योर लाइफ इन अ सर्टेन वे. बट अब जहाँ आप आए हो उस घर का एक अपना तरीका है और वो तरीका इन दिस केस डिसफंक्शनल है. लेकिन इट टेक्स हर अ वाइल टू आइडेंटिफाई कि यार ये तो खुद विक्टिम है, ये तो जुल्म नहीं कर रहा है, इसके साथ तो हो रहा है एंड इट्स एन आउटकम ऑफ हाउ ही हैज बीन ब्रॉट अप. जो मैं पहले भी कही थी ईशान का जो कैरेक्टर है वो मुझे लगता है बहुत सी लड़कियाँ उससे रिलेट कर सकती हैं. इन द सेंस कि या ओके आई एम नॉट श्योर कि ये है, लेकिन मुझे लगता है शायद क्या ईशाल डिनाइल में है क्या उसको लगता है कि वो चेंज कर लेगी जैन को. क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ ये इस तरीके से अपनी रिलेशनशिप गुजारती हैं क्योंकि वो ही हुआ ना कि कोई बुरी चीज़ हुई बुरा करता फिर आके माफ़ी मांग लेता है. तो एक पैटर्न भी बन जाता है कि हस्बैंड ने या रिलेशनशिप में जिसके साथ भी उसने बुरा किया फिर माफ़ी मांग लिया, फिर ये होप हो जाती है चेंज हो जाएगा चेंज हो जाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न दैट वी आर शोइंग इन दिस वी आर जो हम इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं. नाउ ईशाल अभी भी जब उसकी माँ ने बोला तुम चली जाओ तो ईशाल ने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी. ईशाल खड़ी हुई, ईशाल ने कहा जैन जो मुझे घर लेके देगा मैं वहाँ जाऊँगी. तो शी इज फाइटिंग बैक. सो माई क्वेश्चन इज इट वाइज, क्या वाइज है ये ईशाल का ये करना, क्या वो डिनाइल में है, क्या हम लड़कियों को ये होप दे रहे हैं कि हाँ आप कोशिश करें तो शायद चेंज हो जाए. क्या वाकई किसी को चेंज कर सकता है प्यार? आई थिंक प्यार चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता ये एक अलग कॉन्वर्जेशन है. अगर तो ये लड़का खुद ऐसा होता कि उसको लग रहा होता कि आई कांट आइडेंटिफाई. अगर आप देखें ना तो शादी की रात से जो सीन्स हैं तो उसमें माँ कम्स एंड सेज अ सर्टेन थिंग, बट जैसे ही वो जाती हैं तो ये आगे से आके बैठता है और कहता है कि तुम बीवी हो मेरी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. तो मुझे लगता है वो छोटी छोटी विंडोज वो देखती रहती है. जो शादी से पहले की भी मीटिंग है उसमें जब वो उससे मिलती है द मदर इज नॉट इन द पिक्चर, ही इज अ डिफरेंट पर्सन. तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट उसने वो ग्रास्प कर लिया है कि ये इंसान बुरा नहीं है और मुझे इसके साथ रहना है. तो यस देयर इज लव डेवलपिंग देयर. बट जहाँ तक डिनाइल की बात है ना, मुझे लगता है डिनाइल से ज़्यादा स्टेजेस थे उसके एक्सेप्टेंस के. शुरू में जब सब कुछ हुआ तो एक साइड पे आपकी अपनी बहनें हैं जिनमें से एक की शादी हुई है और वहाँ सब कुछ नॉर्मल है और आपके साथ नॉर्मल नहीं है तो बहुत सारे लोग उसको छुपा जाते हैं. एक नेचुरल सी बात है ना कि वो बहनें आके बताएं कि वहाँ तो बड़े मेहमान थे और बड़े सेलिब्रेशन थे, तो आप कहते हो यार वो हाँ यहाँ भी थे लेकिन वो चले गए. यू मेक एन एक्सक्यूज. सो आई थिंक द बिगिनिंग वॉज दैट, बट देन शी फाउंड आउट समथिंग इज वेरी रॉन्ग, यहाँ पे कुछ मसला है. तो तब तक जब तक वो स्टेज आया जब वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं और फिर वो बाद में आके सॉरी बोलता है ना, तो उसको लगता है कि यार ये तो शायद इनके प्रेशर में आके कर रहा है, ये तो ऐसा नहीं है. सो शी इज़ होल्डिंग ऑन टू दैट. एंड आई नो लॉट्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रांग वुमेन जो काम भी करती हैं अपने करियर में सक्सेसफुल हैं बट अब्यूसिव मैरिजेस में हैं क्योंकि इट टेक्स अ सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेंथ उससे निकलने के लिए. और वो स्ट्रेंथ आपको जमा करनी पड़ती है क्योंकि वो naturally आपका पहला रिएक्शन नहीं होता कि अच्छा ये हो गया चलो तलाक ले लो. ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ जो कि शुरू में नहीं होती क्योंकि आपको नहीं पता आपके साथ हो क्या रहा है. सो आई सी दिस कैरेक्टर एज दैट कि उसको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ जमा करनी पड़ी कि वो अब जाके फाइट बैक कर रही है. अब वो खड़े होकर कह रही है कि ही इज गोइंग टू बी विद मी और जहां जहां उसको चांस मिलता है वो उसको बोलती भी है कि ये गलत हो रहा है, दिस इज नॉट राइट. अच्छा और वैसे भी जो आप कह रही ना कि वो कुछ करता है फिर माफी मांग लेता है, ये पैटर्न यूजुअली होता है जो अल्कोहलिक होते हैं या जो ड्रग एडिक्ट होते हैं. जब वो शराब पी लेते हैं तो वो मारते हैं बीवी को, सुबह उठ के माफ़ी मांग लेते हैं. वी आर ड्रग्स ली नहीं है तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब उस तरह होते हैं. यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ही इज़ अ काइंड मैन, ही ट्राइज एंड टेक्स केयर ऑफ हिज वाइफ. जैसे माँ जब चली जाती है तो
तो दे स्पेंड सम वेरी गुड टाइम टुगेदर, जिसमें उसको लेके घूमता भी है, फिरता भी है, उसकी बात सुनता भी है, अपनी बात भी करता है. तो आई थिंक द कनेक्शन, आई ऑल्सो फील राबिया की कनेक्शन डेवलप होने के लिए टाइम पीरियड इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कनेक्शन यूं भी डेवलप हो सकता है, और ना होने को कनेक्शन सालों लोग मियां भी होते हैं, बट वो इवेंचुअली कहते हैं कि नहीं यार हमारा कनेक्शन नहीं डेवलप हुआ, कुछ मिसिंग रहा है हमेशा से. सो प्रॉब्ली यहाँ पे वो कनेक्शन ईशाल का जहन से डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से शी इज स्टेइंग देयर एंड शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसको कैसे निकालना. एंड ऑल्सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद टेकिंग कंट्रोल. अगर आपको लगता है, मुझे ऐसे आई फील कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेके चीजें फिक्स कर सकते हैं अपने लिए, एंड यू बिलीव इन इट एंड यू थिंक इट्स वर्थ अ ट्राई, आपको करनी चाहिए. बिल्कुल. और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे ज्यादा डैमेज कर रहा है एंड आई नीड टू वर्क आउट ऑफ इट, तो देयर इज ऑल्सो नथिंग रॉन्ग इन वॉकिंग अवे. एंड यू नेवर नो, विशाल माइट वॉक आउट. हाँ, she just might. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. सवाल सिर्फ ये कंसर्न आ रहा था जहन में, बट आई एम श्योर अभी तो बहुत जर्नी है, आगे जाके हम देखेंगे ईशाल की भी कि क्या जर्नी होती है एंड जहन की भी. कि बस बात वही आ रही थी कि क्या हम लड़कियों को ये होप दे रहे हैं कि आप आई थिंक ये लड़कियों को होप से भी ज्यादा, क्योंकि सॉरी क्योंकि मैं नीचे ना यूट्यूब पे मैसेजेस मैं वो कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मतलब अभी रीसेंट वाली के बाद तो सबने बोला ईशाल तुम्हें वॉक अवे. हाँ, क्या बताएंगे तुम, वॉक अवे करो, वॉक अवे. तो मुझे लगा ऑडियंसेस भी कह रही है. बट सो ईशाल के पास दो चॉइसेस हैं, या तो ईशाल सिर्फ अपने आप को बचा ले, या ईशाल को हो सकता है ये लगता है कि वो अपने साथ साथ जैन को भी बचा सकती है. एंड तो आगे जाके इसकी ट्रीटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सेंसिटिव होगी. वी सी आप लोगों को बड़ी रिस्पांसिबिलिटी में प्रेशर डाल दूं, लेट्स होप सो, क्योंकि आप लोग देखिए हम डिपेंडेंट है राइटर पे, राइटर पे हम तो एक्टर्स हैं भाई. हम आगे मैसेज देने वाला है औरतों को कि आप रहें एक इस तरह की मैरिज में विद द होप दैट यू कैन चेंज इट, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी थिन लाइन अबाउट सेइंग. सॉरी, एक मिनट पॉज. समीना एजाज जी, आपके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आ गई, आप सुन रही हैं ना ये, प्लीज देखिएगा हमारी इज्जत रख लीजिएगा. क्योंकि मुझे कंसर्न यही है कि हम बस वी नीड टू मेक, इट्स अ वेरी थिन लाइन टू वॉक ऑन. कि एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड एग्री विद यू दैट यू मस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट. लेकिन हम अब्यूजिव मैरिज में रह के एक सर्टेन पैटर्न को बर्दाश्त करके नो वे सपोर्टिंग इट. और हम ये नहीं बिल्कुल किसी भी तरह कहते हैं कि अब्यूज बर्दाश्त करना चाहिए. हम ये भी नहीं कहते कि आप दिस इज, वी आर नॉट ग्लोरिफाइंग इट, ये ठीक है. हम शायद इन वे आपको ये बता रहे हैं कि अगर जिंदगी में ये होगा तो इसके बाद बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और बहुत कुछ खराब होगा. एंड इफ यू कैन सी जैन भी जो है वो एक टॉर्मेंट में है, सायरा भी अपने तरीके से एक टॉर्मेंट में है, ईशाल भी टॉर्मेंट में. तो ये कैरेक्टर्स जिनकी जिंदगी में ये हो रहा है वो खुश नहीं है. सो वी आर इन नो वे ग्लोरिफाइंग इट कि ये ठीक है या ऐसा होना चाहिए. Yes, if you think your marriage is worth saving it, I would still say it. You should give it your 100% and you should try to save it. Ali, मुझे आपकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त लग रही है. वो जो अभी सीन भी था जब वो अपने पास्ट में जाता है और जब वो वाइट कुर्ता शलवार पहना हुआ था, वो लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर. तो ये जो इस तरह के कैरेक्टर्स के लिए आपने कोई रिसर्च की कि जो लोग इस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं, आप लोगों ने कुछ बातचीत की, कुछ जाके देखा उनका बिहेवियर कैसा होता है, ऐसा कुछ बैकग्राउंड काम किया और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया? एक्चुअली मैंने इसकी काफ़ी प्रिपरेशन की थी. आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट फॉर अ कपल ऑफ सेशंस एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट विद हर. और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात, मैं आपको कट कर रही हूं, पहले लेट्स क्लेरिफाई कि वो सब्जेक्ट क्या है. वी आर टॉकिंग अबाउट पीटीएसडी. जी, इसमें स्पेसिफिकली ज़ैन इज सफरिंग थ्रू दैट. ऑफ कोर्स. एंड मुझे जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई वो ये बताई कि बहुत से लोगों, ये एक बीमारी होती है जिसमें आपको बुखार हो जाता है या खांसी हो जाती है या फ्लू हो जाता है, आपको पता चल जाता है. कोविड का टेस्ट हो जाता है, आपको पता चल जाता है. बट मेंटल इलनेस का आपको पता नहीं चल सकता बहुत अरसे तक. यू माइट बी डीलिंग विद इट फॉर इयर्स विदाउट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट यू डीलिंग विद इट. यू आर अ प्रिजनर ऑफ योर ट्रॉमास. और ये मेरा ख्याल है हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं. समटाइम्स हमें लगता है दैट वी हैव गॉटन ओवर इट, बट वो हमें लग रहा होता है. हमें नहीं पता होता कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं. हमें नहीं पता होता कि हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं. हमें नहीं पता होता कि हमारे जो मूड स्विंग्स हैं वो क्यों डेवलप हो रहे हैं. हम उसको ये कहते हैं यार बस आई एम जस्ट हैविंग अ बैड डे, मूड स्विंग्स चल रहे हैं आजकल. क्यों चल रहे हैं हम कभी भी नहीं पता करते. बिकॉज ए, हमारे यहाँ जो भी किसी साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है लोग कहते हैं पागल हो गया. स्टिग्मा है.
या वो खुद सोचते हैं. अगर आप किसी को कह दो कि यार जाओ गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, तो वो कहता मैं पागल हो गया हूँ, क्या मतलब मुझे पागल कह रहे हो. पूरी दुनिया में इसको एज इलनेस ट्रीट किया जाता है. ये जो टर्म्स हैं PSTD, बाइपोलर, ये ऐसी तो नहीं बन गई, इनके पीछे सालों की रिसर्च है. इनके पीछे क्यों लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बनते हैं या थेरेपिस्ट बनते हैं. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. और इसी वजह से मैं मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट को अगर टच करना है तो इसको ये वो वाला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए जो अपनी माँ के नीचे लगा हुआ है. बहुत से लोग इसको मामाज बॉय कह रहे हैं. हाँ, वो मामाज बॉय कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने शायद उतना डीपली इसको देखा नहीं. बट एज एन एक्टर मुझे लगता है कि जो रिसर्च है वो मैंने उस तरीके से की है कि ये एक मेंटल इलनेस का शिकार बंदा दिखाया जाए, क्योंकि वो है. और हमने वो अभी जो जिस मॉन्टाज की आप बात कर रही हैं, दैट प्लेड वेरी हैवीली ऑन माई माइंड वाइल शूटिंग इट इज वेल. क्योंकि वो तो जमीन पे कौन नॉर्मल इंसान बेड के होते हुए लेट के तो शिवर करेगा या उसको फिट्स पड़ रहे होंगे. सो दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट. ये नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है. तो अगर वो कमेंट्स लोगों के आते हैं, वी आर सो हैप्पी कि वी हैव स्टार्टेड अ डिबेट बेसिकली, एंड वी हैव स्टार्टेड इट. सो ऑफ कोर्स वी हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू गिव अ बेटर कंक्लूजन. बट उस कंक्लूजन पे भी 100% लोग राजी नहीं होंगे. सही बात है, सही बात है. किसी को कोई एतराज होगा, किसी को कोई एतराज. कन्वर्सेशन तो स्टार्ट हुई ना. और अगर 80% तक टॉपिक को सही तरीके से रिस्पांसिबिलिटी से हम हैंडल कर रहे हैं तो ये भी बड़ी बात है. तो जब आप थेरेपिस्ट के पास गए तो शेयर सम लर्निंग्स जो आपने इनकॉर्पोरेट की, क्या हुआ उसमें, कुछ है? जी जी, ऑब्वियसली मैं थेरेपिस्ट के पास तो यही सोच के गया था कि मैं उनको ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने प्रिपरेशन करनी है. मैं अपने थेरेपी सेशंस के उनको कह के गया था. अच्छा, तो उन्होंने मुझे भी चार बातें मेरे बारे में बता दी थी. आई वेंट टू द थेरेपिस्ट एंड आई थॉट कि चलो लेट्स ट्राई इट. आप किसी नजूमी के पास भी तो जाके कहते हैं ना कि अच्छा चलो हाथ देख के बता दो. आप तब भी उसको ये तो नहीं कहते कि मुझे एक्चुअली एक सीरियल के लिए काम करना है. आप देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये क्या करेगा, किस तरह सोचेगा. सो आई वेंट टू द थेरेपिस्ट एंड आई सेड कि मुझे ज़रा थोड़ा सा डिप्रेशन सा हो रहा है. सो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग. और आपको पता है उन्होंने मुझे दूसरे सेशन के अंदर, पहले सेशन में तो उन्होंने सिर्फ मुझसे सुना सारी चीज़ को, दूसरे सेशन में उन्होंने मेरे बचपन से स्टार्ट किया. और बचपन से पूछना शुरू किया कि बचपन कैसा था, कहाँ बड़े हुए, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा था, सिबलिंग्स के साथ कैसा था, स्कूल में क्या आप लोगों का बिहेवियर था, आप कैसे सोचते थे, आपकी कोई लगता था कोई चीज़ नहीं मिली. So that is where I gauged कि ओ ये तो आपके roots के साथ जुड़ा होता है. Basically आप अगर इस एज में आके किसी चीज़ पे डिप्रेस हो रहे हैं, you have to go back to your roots कि तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था. तो ट्रिगर वहीं से आ रहा है. सो जैन का ट्रिगर भी इसीलिए बहुत आसानी से अब शायद लोगों को समझ आ जाए कि उसका ट्रिगर भी उसके बचपन से आ रहा है. अदरवाइज वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे बाल बना रहा है, एजुकेटेड है, बट ट्रिगर्स होते हैं और वो उसकी वालदा उसका ट्रिगर है उसके सामने हर वक्त. बट जब आप ये कैरेक्टर कर रहे थे इसको, तो ये पूरे जो मैनरिज्म है, वी सी अ बहुत हमें क्लियर चेंज नज़र आते हैं ना, कि वो बात कर रहा है अपनी बीवी से, इशाल से, बड़े अच्छे से, एकदम से माँ की उसको धमक भी फील हो जाए ना पाँव की, उसका बिहेवियर एकदम, उसका पूरे बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है. आई हैव टू से कि शिफ्ट जो है ना वो इतना एविडेंट है अली, दैट विद इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स आई वाज लाइक यार कुछ वी कैन से कुछ गलत है, वी कैन सी के कुछ समझ नहीं आ रही है. तो ये आपने खुद क्रिएट किया, आपने सोचा ये ऐसे करूँ कुछ, मतलब इसमें बता सकते हैं कि हाउ डिड यू कम टू दिस, या वो कैरेक्टर लिखा हुआ ऐसे था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है? अच्छा देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आई एम नॉट अ मेथड एक्टर. मैं बहुत नेचुरल एक्टिंग में बिलीव करता हूँ, कोशिश करता हूँ उसी तरह कर लूँ. मेरी एक्टिंग के पीछे कोई मेथड नहीं होता कि मैं एक जोन में जाऊँ और मैं अपना टाइम लूँ. मुझे लगता है कि ये आप अगेन मुझे लगता है कि आपके को एक्टर्स और आपके डायरेक्टर पे डिपेंड करता है. वो आपको कितना कंफर्ट दे रहे हैं, वो आपको कितनी स्पेस दे रहे हैं. एंड मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मेरा कमाल अकेले का नहीं हो सकता. अगर इनकी जगह या रुबीना जी की जगह या तहसीन की जगह कोई और लोग होते, कोई और एक्टर्स होते जिन जो देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है दैट यू आर शेयरिंग द सेम फ्रेम बट यू आर गिविंग योर को एक्टर मोर मार्जिन टू परफॉर्म. हमारे यहाँ पर बहुत से एक्टर्स हैं वो कंपटीशन पे आ जाते हैं. तू रोएगा तो मैं भी रोऊंगी, मैं रोऊंगी तो तू भी रोएगा, या यहाँ पे ये नहीं यूँ करेगा, यहाँ पे मैं यूँ करूँगी. वी हैव बीन थ्रू ऑल दिस. बट यहाँ पर
मेरे लिए हेल्प ये थी कि मुझे रबाब आइडियाज़ देती थी, मुझे अच्छा। रुबीना जी आइडियाज़ देती थी, मुझे तहसीन आइडियाज़ देता था, तो मेरे लिए इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली हो गया हुआ था टू परफॉर्म। और हमारे जो हम तीन लोग जब सीन्स कर रहे होते हैं तो हम बता देते हैं एक दूसरे को कि यार ये तुम्हारा सीन है, इसमें हम बस खड़े हैं, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें क्या सपोर्ट चाहिए तुम वो बताओ। इंटरेस्टिंग। सो उस मेथड के थ्रू अब इशाल का जो अभी सीन ऑन एयर गया है जिसमें इशाल कहती है कि मुझे अगर थप्पड़ अब मारा अब नहीं खाऊंगी और अब मारा मैं अपने घर जाके बताऊंगी। सो वी डिड दैट मल्टीपल टाइम्स जब तक रबाब खुद सेटिस्फाइड नहीं थी, आई एम ओके विद दिस टेक नाउ, एंड वी वर ऑल सपोर्टिंग कि किस अच्छा किस पॉइंट पे आगे आए। ऑनेस्टली हम जिस तरह स्क्रिप्ट है एज इट इज नहीं कर रहे होते सीन को, हम उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं, इस बात को ऊपर ले जाओ, इस चीज़ को इधर ले आओ, और क्या हेल्प चाहिए। तो हम फॉर्चुनेटली माई एक्टर्स एंड माई डायरेक्टर्स सो गिविंग के मुझे लगता है कि ये जो शेड्स आप कह रही हैं वो डेवलप करने में टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, वो हो गया। इशाल पहले काम कर रही थी, शादी के बाद काम वाम छोड़ दिया, भाई क्यों, सब लोग पूछ रहे क्या हो गया, इतनी इंडिपेंडेंट एकदम से घर में बैठ गई है। लेकिन आपको नहीं लगता ये होता है हमारी सोसाइटी में? होता है। इशाल क्यों कर रही है? इशाल इसलिए कर रही है क्योंकि एनीथिंग यू सी इन दिस ट्रैक ये एक डिपिक्शन है ऑफ व्हाट हैपेंस इन रियलिटी, एंड ऐसा होता है, अच्छी खासी डॉक्टर लड़कियां होती हैं, इतने साल मेहनत करके पढ़ा हुआ होता है एंड देन दे गेट मैरिड एंड उनको काम अपना छोड़ना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो इट इज़ दिस, एंड अगेन नॉट सेइंग इट्स राइट, आगे जाके हो सकता है वापस करना भी शुरू कर दें, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि ये इन नो वे दिस इज करेक्ट, ये नहीं कह रहे कि ये ठीक है, बट आई थिंक उसके लिए ज़्यादा अभी ये शादी के बाद जितने मसले और जितना कुछ चल रहा है इट्स ओवरवेलमिंग एंड शी हैज स्टॉप्ड वर्किंग। जब तक आप मसला नहीं दिखाएंगे कमाल बात यही है कि कमेंट्स अगर आप पढ़ें तो 90% लोगों ने ये बात कही है कि वो काम कर रही थी और वो शादी के बाद क्यों नहीं कर रही, बट अगर यही चीज किसी के घर में हो रही होती है तो पीपल डोंट व्यू इट दैट वे, उस पर उस तरह बात नहीं होती कि अगर लड़की ने छोड़ दिया तो हमारी सोसाइटी में इट्स कंसिडर्ड वेरी नॉर्मल, शादी हो गई तो अब काम छोड़ दिया। लेकिन अब इस ड्रामे में सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अच्छा ये तो काम कर रही थी पहले, ये तो इतनी स्ट्रांग थी, इंडिपेंडेंट थी, तो आई थिंक इट्स गुड कि कॉन्वर्सेशन हो रही है एंड माइंडसेट्स इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि हाँ वाकई अगर थी तो अभी भी उसको ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा इशाल इस वक्त मुझे लग रहा है कि उसका फोकस जो है वो अपने मदर इन लॉ की बिहेवियर पे है, उसको लगा है कि ये वजहें जो जिस वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है विच इज़ ऑफकोर्स, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहन के साथ भी इश्यूज़ हैं, जैसे जहन उसको आके कहता है कि यू नो जब वो डरा हुआ होता है वो कहता है कि मुझे सज़ा से डर लगता है, मैं नहीं चाहता मेरी अम्मी मुझे सज़ा दें, यू नो दैट वाज सच एन इंपॉर्टेंट जुमला, बट मुझे लगा इशाल को हिट नहीं किया कि एक बड़ा मर्द इस तरह रोते हुए कह रहा है कि मुझे अपनी माँ की सज़ा से डर लग रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ मुझे सज़ा दे या मुझसे नाराज़ हो जाए, तो इशाल ने उसको बड़ा उस तरह से हैंडल किया कि नहीं नहीं, तो उसको अभी तक समझ नहीं आ रही है या आगे जाके समझ आएगी। आई थिंक जिस इंस्टेंस की आप बात करिए दैट वॉज अ फर्स्ट विथ हर एज वेल, कि वो पहली दफ़ा ही उसने कोई इस तरह की बात की थी, लेकिन वो पहली दफ़ा ही अलार्म उठाने के लिए काफ़ी नहीं था? अलार्म उठाने के लिए बिल्कुल काफ़ी था, आई थिंक आगे उसका थोड़े हद तक बिल्डअप होगा। उसके अलावा चीज़ ये है कि इशाल की ज़िंदगी में अपने जितने भी प्रॉब्लम्स उस घर में क्रिएट हो रहे हैं ना वो सायरा की वजह से हो रहे हैं, सो आई थिंक यू आर राइट कि इन द बिगिनिंग हर फोकस इज़ ऑन दिस कि ये गलत कर रही है और ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या ये हम दोनों की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रही है, सो इट डज स्टार्ट ऑफ लाइक दैट, कि अभी तक जितने एपिसोड्स आपने देखे हैं वो उनमें बात यही हो रही है कि उसको लगता है कि ये तो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रही हैं, एंड टू सम एक्सटेंट बाई नाउ शी इज सिंपथाइजिंग विद हिम, कि उसको लग रहा है कि यार ये तो यू नो ही इज़ डिफरेंट, उसने ये स्पॉट कर लिया है कि ये मेरे साथ अलग होता है और ये अपनी माँ के सामने अलग होता है। आई फील शी कम्स फ्रॉम सच अ हैप्पी एनवायरनमेंट दैट दिस इज़ ऑल वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, वेरी न्यू एंड ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हर, तो वो टू रजिस्टर कि उसने क्या कहा है और क्यों कहा है, हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि यार ये इतना मामाज बॉय है कि ये इस वजह से कह रहा है, इतनी दूर तक अभी वो जा नहीं सकती मुझे लगता है, या कोई भी नहीं जा सकता शायद इतनी जल्दी। नॉर्मली भी जिंदगी में यही होता है ना कि व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस यू ब्लेम अ पर्सन, जो हमारी नॉर्मल रिलेशनशिप मुझे लगता है कि अब क्योंकि ये आज के ज़माने का हम आज का दिन दिखा रहे हैं, 2022 का दिखा रहे हैं, हम आज से 10 साल पहले का नहीं दिखा रहे, तो इशाल गिवन बीइंग सो एजुकेटेड एंड जैसे आपने कहा कि इतनी अच्छी फैमिली से स्टेबल उससे आ रही है और बिकॉज इतनी कॉन्वर्सेशंस मेंटल हेल्थ और इस तरह की होती हैं कि उसको मुझे लगता है कि फ़ौरन ये चीज़ एक रेड सिग्नल आना चाहिए था कि something is wrong here maybe I think that she has identified ki something is wrong to usko bahut pehle samajh mein aa gaya ki ye to something is severely wrong in this household aur zain ke sath shayad rehne ka abhi tak reason bhi uska yahi hai ki usko samajh mein aa gaya ki this is not a bad guy this is not your textbook bad guy jo aapke sath bahut bura kuch kar raha hai
बट वो इन अ सर्टेन वे खुद भी डिस्टर्बड है. तो आई थिंक दैट हैज़ ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड. अच्छा, जो सायरा का कैरेक्टर है वो ज़ेन में हमें जो अभी तक दिखाया गया है यही मुझे समझ आती है कि वो कंपेनियनशिप अपनी अपने बेटे में ढूंढ रही हैं. जो संडे को भी पूरा सीन उन्होंने दिखाया कि वो बोलती है नाश्ते पे फिर प्लांट्स लेने जाएंगे और फिर लंच तुम्हारी जगह की मर्जी से, कि मुझे ऐसा लगा कि जो गैप था वो. लेकिन फिर हम ये भी दिखा रहे हैं पास्ट में ले जाके उन्होंने दिखाया कि ज़ेन के साथ क्या कितना सख्त किस्म का उन्होंने बिहेवियर रखा, जिसकी वजह से वो जो ट्रॉमा क्रिएट हुआ है जो हम बात करें वो ज़ेन की पर्सनालिटी का में इस तरह अफेक्ट किया है एंड वो इस तरह ही डरा सहमा रखता है. लेकिन सो देयर इज़ वर्बल अब्यूज़, देयर फिजिकल अब्यूज़, मे बी फिजिकल का एविडेंस नहीं दिखाई है, लेकिन इज़ देयर मोर इन्वॉल्व इन द हिस्ट्री, कुछ मोलेस्टेशन की बात या कुछ भी है? क्योंकि क्लियरली बिहेवियर से ऐसी फील आती है. इज़ द ड्रामा गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस इन फ्यूचर? ये ड्रामा इज़ ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट इन अंडरटोन्स. सायरा इज नॉट जस्ट कि वो डांटना वाड़ना था, क्योंकि जो जो बिहेवियर है वो देखिए वो तो इंसेस्चुअल एंगल जो है वो तो ड्रामा इज नॉट हैंडलिंग दैट. नहीं, वो तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. आई डोंट थिंक वो मिक्स अप होना चाहिए. बिकॉज़ आई मैंने ये सवाल लिखा, फिर मैंने जाके तीन चार लोगों से बात की. हां, नहीं नहीं, यू आर राइट. एंड दे ऑल गॉट द सेम कि ये बोल नहीं रहा है ड्रामा, लेकिन अच्छा नहीं, आई फील लाइक वो एक कंट्रोलिंग मदर इन लॉ प्ले कर रही है हु इज अ सिंगल पेरेंट एंड दैट्स व्हाई शी इज होल्डिंग ऑन टू हर सन वेरी टाइटली. वो बार बार ये इस बात का इजहार करती हैं कि उनकी ज़िंदगी का जो सेंटर पॉइंट है वो ज़ेन है. और आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स हम सब देखते हैं अराउंड अस, कि जहाँ वेयर मदर्स आर सो यू नो उनको समझ नहीं आता व्हाट इज़ द बाउंड्री टू नॉट इंटरफियर इन द सन्स लाइफ और इन द चाइल्ड्स लाइफ. तो आई थिंक इट्स दैट इट्स इट डजंट हैव एन एंगल टुवर्ड्स, इट डजंट हैव एनी अदर एंगल, बट यस ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई थिंक ये वर्ल्ड ओवर है. शेयरिंग अ पर्सन इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन बी डन टू यू. And especially mothers, single mothers with a single child. There's no other sibling. Siblings होते हैं तो चलो फिर माँ बाप का ध्यान भी लग जाता है कहीं. But a single mother was given up her life, her whole life for her son. I think it's not justified, but it's Saira's character. कोई भी इतना bitter develop, she's basically bitter. For life के experiences ने Saira को bitter बना दिया होगा. Now when she sees के ज़ेन के कोई दोस्त नहीं है, ज़ेन की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, ज़ेन की कोई पार्टी लाइफ नहीं है, ज़ेन का काम है सिर्फ सुबह उठना, माँ के साथ जाना, वापस आना, सो जाना. वो चांद वाले सीन में वो कहता भी है कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं रोज़ एक ही दिन जी रहा हूँ. तो समीना आपा ने बड़ी अच्छी लाइन लिख के ज़ेन के कैरेक्टर को जस्टिफाई किया. इतनी खूबसूरत बात उन्होंने लिखी, रोज एक ही बात, रोज एक ही दिन जी रहा हूँ, कि वो दैट डिफाइंस ज़ेन और दैट डिफाइंस हिज मदर एज वेल, कि उसने एक ही पैटर्न पे अपने बेटे को लगाया है कि कहीं और नहीं निकले. सो आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट फॉर हर. उनके लिए वो ज़ेन एक प्रोजेक्ट है, ओनरशिप है, प्रोजेक्ट है. बहुत स्ट्रांग ज़ेन की हिस्ट्री तो उन्होंने बता दी, ज़ेन के बिहेवियर का रीजन समझा दिया कि ऐसा है ज़ेन. लेकिन जो सायरा के कैरेक्टर की जो इतनी बिटरनेस है वो मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं, वो बताइए. एक सीन है जिसमें मैं हाँ वो आप इशारे से बताता है, बट वो भी इससे ज्यादा दिखाएंगे क्या? क्योंकि दैट डजंट सीम टू जस्टिफाई हर बिहेवियर. देखिए ऐसे हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, बट ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं. हम मेरे बहुत से दोस्त थे ऐसे जिनके वालदा तो नहीं, उनके बाप इतने सख्त थे कि उन लोगों की हालत खराब हो चुकी होती थी. और वो नशे भी करते थे, वो बाहर निकल के गलत हरकतें भी करते थे, बिकॉज़ दे वर सो डेस्परेट कि वो निकलें और वो एंजॉय करें. और ऐसे इंसान को जो सायरा का टाइप है वो ऐसे इंसान को कभी भी नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है. वो तो थ्रू आउट ये फील करता है कि आई एम जस्टिफाइड और मैं इसके फायदे की बात कर रही हूँ. और मैं तो एंड देयर आर पेरेंट्स लाइक दैट जिनको लगता है कि हम तो अपने बच्चे का बेहतरी कर रहे हैं. इस तरीके से उनको बच्चे के अंदर आती भी डिसफंक्शनैलिटी नहीं नजर आती और वो खुद बहुत डिसिप्लिन्ड है. नुकसान हो रहा है या तो खुद आप दिखाते हैं कि वो लेट उठती है, वो रातों को फिल्में देखती है, वो खुद बहुत डिसिप्लिन्ड है, तैयार होती है सुबह को ऑफिस जाने के लिए हमेशा. सो जो वो उसके लिए सही है वो उसके बेटे के लिए भी सही है. ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई. अच्छा, थप्पड़ पे आते हैं जी. तो जब डिस्कशन हो रही थी, स्क्रिप्ट में पढ़ा आपने, तो क्या डिस्कशन हुई? ये आया भी कि करें नहीं करें या क्लियर था कि करना ही है? उसको क्या बात है, बहुत डिबेट की थी, बहुत डिबेट. क्या डिबेट, क्या प्रोज एंड कॉन्स? एक तो ये था कि वो
जस्ट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि वो सीक्वेंस जो था वो बहुत टाइटली नेट था क्योंकि उस थप्पड़ के रिपरकशंस और आगे भी बहुत सारी पूरी स्टोरी उसी से कनेक्टेड थी. इवेंचुअली एक और कैरेक्टर का मिसकैरेज और वो सारा पूरा एक सीक्वेंस इट वाज टाइटली नेट. सो इट वाज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड एंड अली वाज वेरी रिलक्टेंट टू डू इट एंड हमारी ये पूरी कॉन्वर्जेशन हुई कि इसको अगर हम निकाल दें बट देन फोकसिंग ऑन द मैसेज ऑफ द सीन एंड हाईलाइटिंग दिस तो हमें नहीं लगा कि इसमें कोई ऐसी बात है क्योंकि बहुत बड़ी डिबेट इसने स्पार्कअप की. जी बिल्कुल. एंड दैट वॉज द एजेंडा कि इसको कहीं भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया, इसको कहीं ये नहीं कहा गया कि ये ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तीन कैरेक्टर्स हैं और ये ऐसे ही हैं. दिस इज हाउ दे आर एंड दिस इज वॉट दे डिड. तो स्टोरी है बाय द एंड ऑफ द डे एंड देयर कैरेक्टर्स रिएक्टिंग. कि इस प्ले में हीरोइन हीरो को बचाने के लिए आई. तो मैं तो अक्सर ये रबाब को कहता हूँ कि मैं हीरो नहीं हूँ, आप हीरो हैं, मैं हीरोइन हूँ इस ड्रामे की. ये रोल रिवर्सल्स हैं कि मैं आई एम द डैम्सल इन डिस्ट्रेस, मुझे आपने बचाने के लिए आना है. तो इन नो वे वो ग्लोरीफाई किया गया है कि एक हीरो ने थप्पड़ मारा है हीरोइन को और उसके बाद ही इज प्राउड मोहब्बत और उसके बाद वो उससे वो बहुत चंद. अगर आप उस क्लिप को जो एक पर्टिकुलर क्लिप बहुत वायरल हो गया उसमें अगर आप उसी में देख लें तो उसमें ज़ैन क्लियरली अवॉइड करना चाह रहा है उस थप्पड़ को. और क्योंकि जब उसे पता चल गया कि यार अच्छा मैं नहीं बच सकता और ये तो बोल रही है और ऐसी बात बोल रही है जो मेरी माँ को नहीं. उस एक सीन से वो पावर डायनामिक्स बड़ी क्लियर हुई है लोगों को कि टिल शी कम्स वो ही इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे. व्हेन शी कम्स एंड शी सेज कि रियली तुम्हें ये अच्छी लग रही है तो ज़ैन का अपना जो फियर है और वो उस फियर में रिएक्ट करता है और वो जो कहते हैं ना आई फील लाइक दैट स्टार्टेड दैट कॉन्वर्सेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं द अवेयरनेस टुवर्ड्स. जब मैं वो थप्पड़ का सीन मैंने देखा तो क्योंकि जो दिखाया था जो सीन था उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं मुझे जस्टिफाई लग रही थी. अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ फिर मैं जरा ऑनेस्टली बात कर रही हूँ कि वो लगा नहीं, जस्टिफाई नहीं लगा कि इतनी सी बात पे ज़ैन इस तरह रिएक्ट करता. एग्जैक्टली वो जस्टिफाइड नहीं था. उसके बाद आगे जाके भी बहुत सी चीजें हुई लेकिन उसके बाद ज़ैन ने उस पर हाथ नहीं उठाया. दो चीजें ठीक है. सो दैट मेक्स मी वंडर कि क्या वो थप्पड़ इसलिए रखा गया कि व्यूज और बातचीत हो इस पे. लेट मी कंप्लीट. कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं जैसे इस पे आप लोग एक सर्टेन पॉइंट को लाना चाह रहे हैं या यही बात कि नहीं मारो थप्पड़ या तो बजाय इसके कि हम इधर उधर की बात करें वो चीज़ हम करते हैं ताकि उसके बारे में बात होना शुरू हो जाए. तो क्या ये रास्ता लिया गया था इसलिए थप्पड़ यूज़ किया गया था क्योंकि थप्पड़ नहीं करता वो ज़ोर से चीखता आई वुड हैव मुझे ज़्यादा समझ आती होता दो तीन दफ़ा उसको या उसको थोड़ा सा हाथ से धक्का दे देता उसके लिए भी थोड़ा सा डिबेट है. बट थप्पड़ जो उधर लगा वो सीन इतना मुझे बात ऐसी नहीं लगी थी कि जिस पे वो उठा के मार देता क्योंकि उसके बाद भी बहुत दफा हुई है बातें. सुने इसी वीक में ना बज़ात में एक ही एपिसोड में मुझे पांच थप्पड़ पड़े हैं. पांच थप्पड़ एक उर्वा से तो की थी एक उर्वा. अब देखिए ना अब ये देखिए देखिए मेरी बात सुने लेकिन जस्टिफाइड. सुने ना एक थप्पड़ उर्वा से पड़ा उसी वक्त एक थप्पड़ इमरान से पड़ा फिर दो थप्पड़ नीचे दोबारा इमरान से पड़े फिर एक थप्पड़ महमूद हसन साहब से पड़ा. दिस हैपेंड इन द स्पैन ऑफ 5 मिनट्स. जी कोई डिबेट्स बात नहीं की किसी ने बात नहीं. तो वो तो एक बुरा इंसान वायरल हुआ उसको मारे तो आप वो वायरल हुआ हमारी एक्टिंग के ऊपर. ठीक है अच्छा आप ये कहना चाह रही हैं सबको इसका मतलब कि बुरे इंसान को मारे. नहीं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रही. एग्जैक्टली बात मैं कह रही हूं कि उसकी फिर भी आप जस्टिफिकेशन आप फिजिकल वायलेंस की बात कर रही हैं ना. दो चीजें बात तो ये हो रही है कि फिजिकल वायलेंस है. अब या तो आप ये कहें कि फिजिकल वायलेंस इज अलाउड ऑन अली अब्बास बट नॉट ऑन रबाब. तो मैं पूछूंगा व्हाई. ठीक है पहला ये सवाल है इसका जवाब. एक क्वेश्चन ये होगा. दूसरी बात ये कि या तो आप ये कहें कि फिजिकल वायलेंस इज अलाउड भाई जो गलत तरीके से जिसने ग्लास तोड़ दिया उसको भी चंड मारोगे जाके. ऐसा तो नहीं है. सो हमारे माइंड में इन नो वे ये बात थी कि ये वायरल हो जाएगा और बट वी वर रियली हैप्पी एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई एंड वो तो हमारा फ्रॉम डे वन इस ट्रैक को लेकर मेंटल हेल्थ पे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का हमारा था एजेंडा. वी वॉन्टेड कि जब ये ट्रैक इस तरह जाए इसको इसी तरह परसीव किया जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. एक बंदा जो नॉर्मल नहीं है ऑल थ्री ऑफ अस आर प्लेइंग कैरेक्टर्स ना तो वो कैरेक्टर्स एक सर्टन वे में एक्ट कर रहे हैं विच इज़ नॉट हेल्दी विच इज़ नॉट नॉर्मल. And that is something जो I'm glad कि जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं और जो कि notice हुआ है.
सो इन दैट वे यू कुड से कि हमारा ये एजेंडा था कि ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो यहाँ से एंड पीपल आर कैचिंग ऑन टू इट बट इन नो वे वी सपोर्ट वायलेंस ऑन एनीवन ऑन एनिमल्स ऑन ह्यूमंस ऑन वुमेन और उसको किसी वे में ग्लोरीफाई भी नहीं कर किसी, रहे किसी लाइक उसको हमने ये नहीं दिखाया कि ये अच्छी बात है अगर ये मैसेज होता तो हम में से कोई भी कर नहीं रहा होता अगर ये मैसेज अगर और फिर दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन था कि अगर हमने जानबूझ के ये बात डाली होती कि वायरल हो जाएगा तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम दोनों की आ रही होती हमने कुछ भी नहीं बोला ना हमने अपनी स्टोरी पे कुछ लगाया ना हमने किसी पोस्ट पे कमेंट किया ना हमने किसी को जाके जस्टिफिकेशन दी वी वर जस्ट ट्राइंग टू गेज कि लोग क्या बात कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं और लोगों का डिवाइडेड ओपिनियन है अगर आप उसके कॉमेंट्स पढ़े एक और चीज भी है आपको पता होगा थप्पड़ वाला सीन वायरल हुआ बहुत से लोगों ने उस पर बात भी की चांद वाला सीन वायरल नहीं हुआ किसी ने भी उस पर बात नहीं की जो मेरा रोने वाला सीन था वो वायरल नहीं हुआ किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की अभी जो बच्चे वाला मॉन्टाज था उसके ऊपर दो चार अच्छे एजुकेटेड लोगों ने कुछ बना लिया बड़े किसी ने नहीं बात की तो प्लीज़ वो थप्पड़ को जब आपने देखना है ना तो खाली क्लिप को ना देखें उससे पहले क्या हो रहा था उसके बाद क्या हुआ है वो उसके ऊपर बात करें 7 बजे वाला ड्रामा है आप रिव्यू करेंगे आप बड़े हैं आप छोटे नहीं हो जाएंगे ना ही आपको वो अली मैं इंटरव्यू कर रही हूं आपको नो सीरियसली मेरे को लग जाएंगे नो नहीं नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा नहीं नहीं मैं आप आपकी बात नहीं कर रहा मैं जनरली बात कर रहा हूं कि हमारे यहां पर एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि 7 बजे वाला ड्रामा है ये तो रोज चलता है तो इसके ऊपर क्यों बात करनी है आपने अगर बात करनी है ना आप फिर प्रॉपर तरीके से आप आगे पीछे से जितने एपिसोड्स ऑन एयर हुए हैं सब देखने के बाद बुलाया सो इनकी रिसर्च पूरी है 10 में से 10 नंबर है आपके इनकी रिसर्च पूरी है इन्होंने हमें नेगेटिव कोई बात करने के लिए नहीं बुलाया और ये हमेशा ही कहती हैं कि इनको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए वो 7 बजे वाले ड्रामे के ना इश्यूज वी रियली वांट टू फितरत भी मैंने किया है और उसके बाद ही फितरत 9 बजे वाला था अच्छा वो लॉन्ग सीरीज में मैं कर लेती हूँ एक्चुअली 7 या 8 या 9 बजे के मेरा इशू नहीं है मेरा इशू ये जो रोज आता है ना उसको रोज कैच करना आपने मुझे बज्जात के लिए नहीं बुलाया आपने मुझे अंगना के लिए बुलाया तो आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर यू अच्छा भाई दो लव्स मोहब्बत के बोल ले मियां और गुस्सा उस्सा कर ले और फिर दिल जीत ले ये मैसेज नहीं दे रहा थप्पड़ के अभी हम थप्पड़ की कंटिन्यूएशन में नहीं मुझे लगता है वो तो मोहब्बत की बहुत सारी बात करना चाहता है तभी तो इतने प्रॉब्लम्स आते हैं बस थप्पड़ मारा उसे सॉरी बोल दिया तो शी इज ओके ये मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है इसका थोड़ा सा कंसर्न था कि थप्पड़ मारा एंड सॉरी बोल दिया तो शी इज ओके आई थिंक शी इज नॉट ओके एंड अगेन आई सेड कि इफ दिस कैरेक्टर वॉज अ सर्टन वे तो शायद वो छोड़ चुकी होती अभी तक लॉजिकली अगर मैं इसको जिस तरह से देखती हूँ कि अगर ये प्रॉब्लमैटिक होता She sees that he's mentally disturbed. उसके साथ कुछ मसला and he's being controlled. तो I think वो इस वजह से she's still there. And like I said कि मेरा अपना जो message है वो बहुत clear है कि give it your 100%. But when you see कि आपकी certain boundaries cross हो रही हैं, you should leave. तो इशाल को भी time चाहिए. सवाल इसलिए पहले सारे पूछी थी कि जो जो मुझे नजर आ रहे थे जो मेरे भी थे लेकिन अगर मैं देखूँ तो आई थिंक हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है फॉर इशाल बिकॉज वो मोहब्बत करती है उस बंदे से और कि उसको हम एक्सपेक्ट करें कि वो एकदम से छोड़ के चली जाए और वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता अगर आप ड्रामे से हटा के रियल लाइफ में भी देख तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अपनी सारी जिंदगी देखा है आई लुक अप टू देम दे आर स्ट्रांग बट देर इन अब्यूसिव मैरिजेस देर इन अब्यूसिव रिलेशनशिप्स और उस एक जगह स्ट्रेंथ नहीं आती लेकिन मुश्किल है लेकिन मुझे यहाँ इशाल के साथ सिर्फ ये नहीं लग रहा इशाल एटलीस्ट आई वुड लाइक टू से कि इशाल wants के इस बंदे को मैं किसी तरह pull out कर लूँ save कर pull out कर लूँ because it's not a normal person जो उससे बस बदतमीजी कर रहा है ना ज़ैन के साथ issue है ज़ैन के साथ मसला है जो इशाल देख रही है जो हम hope करें कि इशाल will be the savior absolutely अच्छा मैं double minded हूँ ठीक है मुझे लगता है कि ये concept अच्छा है कि आप देख रहे हैं कि इस इंसान के साथ एक मसला है और आप शायद उसकी मदद कर सकें ठीक है और आप जिस तरह अभी इशाल करिए कि वो putting up with everything जो उसकी तरफ आ रहा है यू नो ज्यादतियाँ और बदतमीजी
लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी है कि क्या जेन जैसे लोगों को सेव किया जा सकता है, क्या क्या वो क्या एक लड़की अपनी जिंदगी का इतना हिस्सा लगा दे इस रिस्क पे? मैं डबल माइंडेड हूँ. मुझे लगता है हमारी मेन कॉन्वर्जेशन यही है कि अगर सही टाइम पे इंटरवेंशन हो तो सेव किया जा सकता है. आई फील लाइक हम अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते. थेरेपी, मेंटल हेल्थ, अगर आप किसी से कहें कि यू ऑप्ट फॉर इट, लाइक अली सेड, कि वो कहते हैं मैं पागल हूँ क्या, मतलब ऑफेंड हो जाते हैं लोग. तो आई फील लाइक अगर सही टाइम पे इंटरवीन किया जाए तो आप बचा सकते हैं सामने वाले को. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की जो जहां तक बात है ना, दिस इज नॉट अ सिंड्रेला स्टोरी कि यूं अचानक सब ठीक हो जाएगा. सिंस वी टॉकिंग अबाउट अ वेरी हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट एंड वी ट्राइंग आवर बेस्ट हम उसको एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल करें. थेरेपीज में इस तरह के पेशेंट्स को ठीक होने में समटाइम्स इट माइट टेक इयर्स एंड इट स्टिल स्टेज विद यू. उसका ट्रिगर चाहिए होता है आपको. और यही मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग औरत जरूरी तो नहीं है कि छोड़ के चली जाए. एक स्ट्रॉन्ग औरत अपने शौहर के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकती? This is a very interesting. And why not? हाँ. Strength को हमने हमेशा उससे ले लिया कि बस यार छड़ के आ जा. हाँ, exactly. ये तो नहीं होना चाहिए. फिर दूसरी बात ये, क्या आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है, हम एक अलग कल्चर में रहते हैं. ईशाल पहले दिन ही छोड़ के आ जाती. एक जैसे हम कह रहे हैं डिवाइडेड ओपिनियन है. एक जो सोसाइटी का पार्ट है वो तो कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छा किया. एक पार्ट कहता है नहीं यार, ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप मैसेज दे रहे हैं कि बस छोड़ के आ जाओ, अपना घर तलाक ले लो, खत्म कर दो. वो पार्ट टू सम एक्सटेंट ठीक भी होता. क्योंकि अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं तो इसमें भी देयर इज नथिंग टू लर्न फ्रॉम. कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इफ अ सिचुएशन गोज डाउनहिल तो आप बिल्कुल फॉरेन से एस्केप रूट देखें और आप भाग जाएं उससे. दैट इज आल्सो नॉट अ मैसेज. एंड आई थिंक इनकरेज भी नहीं करना चाहिए इस बात को. बिकॉज इफ यू हैव गॉटन योरसेल्फ इनटू समथिंग, यू शुड पुट इन योर 100% वर्क इनटू इट. अगर आपको एट सम पॉइंट लगता है कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, देन यू लीव. लेकिन स्ट्रांग होने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि यू नो तोड़ फोड़. हम थेरेपी देखेंगे आगे जाके. थेरेपी का कुछ होगा इंडिकेशन? देखिए बड़ा ट्रिकी मामला है. और ये बहुत ट्रिकी है. बड़ी ट्रिकी लाइंस है. सो आई डोंट नो, वी डोंट नो अभी स्क्रिप्ट आ रही है हमारे पास. आ रहा है. सो वी डोंट नो, बट वी आर होपिंग कि थेरेपी को इतने सटल तरीके से हम दिखा सके कि जो गलत भी ना हो जाए. लाइक यू सेड, इसमें तो माँ और बेटे दोनों को डेफिनेटली जरूरत है. बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है. आई थिंक नेचुरल कि वो, क्योंकि अगर वो माँ किसी तरीके से चेंज हो जाए और जैन की ज़िंदगी, फिर भी जैन जिस ट्रॉमा से गुजरा है, थोड़ी कहीं ना कहीं तो प्रोफेशनल हेल्प शायद उसको चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट टू शो दिस. बिल्कुल यू आर राइट. देखिए आई डोंट थिंक कि व्यूअर्स ये चाहते होंगे कि माँ एकदम से ठीक हो जाए और ये तीनों हैप्पीली अगर आफ्टर वाले सिनेरियो में आ जाए. दैट्स अनरियलिस्टिक. यस, ऐसा नहीं होगा. अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए. हैप्पी एंडिंग क्या है? हैप्पी एंडिंग ये भी हो सकती है कि ईशाल चली जाए, ईशाल की दूसरी शादी हो जाए, वो हैप्पी, ये इलाज करा लें, ये भी हैप्पी. हैप्पी एंडिंग ये भी हो सकती है कि ईशाल इसका इलाज कराए. हैप्पी एंडिंग ये भी हो सकती है कि माँ अपने इलाज के लिए चली जाए. मतलब मल्टीपल एंडिंग्स हो सकती हैं इसकी. बट इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ द होल टीम नाउ टू गिव अ प्रॉपर मैसेज, रियलिस्टिक मैसेज. बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम जो हम आमतौर पर डील नहीं कर रहे होते. बट लाइक यू सेड कि अगर 70-80% भी आप उसको ठीक तरीके से जो है वो सब्जेक्ट को रेस कर दें तो दैट इज अ जॉब डन इन इटसेल्फ. कि हाफ द टाइम ये होता है कि सारे एंड्स अग्री नहीं करते, बट इट्स ओके, एटलीस्ट कन्वर्सेशन हो रही है. एंड नाउ या दैट यू नो कि ज़ैन इज गोइंग थ्रू अ मेंटल इलनेस, तो बहादुरी फिर ईशाल की किसी भी तरीके से देखी जा सकती है ना. बहुत सी बहादुर औरतें हमने देखी हैं जो अपने शौहर को मुश्किल में देखती हैं, वो नहीं छोड़ के जाती. फैन रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते? कोई मैसेज आ रहे हैं? बहुत इंटेंस आ रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू सो मच जी. बहुत मजा आ रहा है, बड़ा जबरदस्त फीडबैक हो रहे हैं. आई थिंक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो हमारे तो हैशटैग भी बन गया है. ईशान बन गया हैशटैग. तो जिस एपिसोड में थोड़े से सीन्स कम होते हैं ना, तो फैंस का फौरन ही आ जाता है कि इस एपिसोड में तो आप लोगों के दो सीन्स थे और इसमें तो आप दोनों के वी डिडंट गेट ईशान मोमेंट्स. सो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस. एंड ऑल्सो कल के एपिसोड के बाद और इससे पहले जो अली का जिसमें ब्रेक डाउन और वो सारा चला है, उसका हम दोनों को बड़ा क्रेजी फीडबैक मिला. पीपल क्राइड और लोगों ने बोला कि बहुत रोना आया. तो इट्स वेरी मूविंग कि जब आपका कोई इस तरह प्रोजेक्ट चल रहा हो एंड पीपल गेट इमोशनली ड्रिवन बाय इट. सो आई एम सो हैप्पी कि हमारे ऑडियंसेस इतने एजुकेटेड हो चुके हैं. यस, इतने जबरदस्त बात कर रहे हैं. जब तक ये बात खुली नहीं थी तब से ही कॉमेंट्स आ रहे थे कि ज़ैन इज गोइंग थ्रू सम चाइल्डहुड ट्रॉमा.
तो मैं तो बहुत इंप्रेस हो रहा था कि यार लोगों को कमाल है, समझ में आ गई बात और वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं सारी चीज को कि क्या होगा. बहुत ही वेरी गुड यार, आप लोग छा गए. एंड सिंस हम लोग अभी वी आर इन द शूटिंग प्रोसेस, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें एपिसोड देखने का टाइम नहीं मिलता, बट द मिनट इट एयर्स तो थोड़ी देर में फीडबैक से हमें पता चल जाता है कि क्या अच्छा था और क्या नहीं था. सो पीपल आर हुक्ड. ऐसा कुछ हुआ कहीं बाहर गए, किसी ने कुछ कहा हो या कोई मैसेज आया हो कोई जो आप शेयर कर सकें? मैं अभी गया था ये KDS ए के कार्निवल पे अपने बच्चों के साथ, वहाँ पे डाउन सिंड्रोम के जी बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत लोग आए थे मेरे पास एंड सम ऑफ द पेरेंट्स वर रियली हैप्पी कि हमने इस टॉपिक को छेड़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली का डाउन सिंड्रोम इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट देन वो रिलेटेबिलिटी बच्चों को लेकर बन ही जाती है अगर आपको ऐसा लगे. सो आई वॉज रियली हैप्पी कि मेरी वाइफ भी साथ थी, तो उससे पहले वो थोड़ी सी ऑफेंड हुई हुई थी मुझसे, बट देन नाराज हुई नहीं. नहीं वो एक्चुअली बहुत से लोगों का ये भी होता है ना कि यार तुम बड़े वो वाले रोल्स करते हो, हार्श रोल्स करते हो. सो हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है, मैंने बहुत सॉफ्टर रोल्स बहुत हिट हुए हैं मेरे, बट खैर ये अलग डिबेट है. तो वहाँ पर बहुत फीडबैक आ रहा था, बहुत मेरे बच्चों के जो स्कूल की अम्माएँ हैं, मतलब उनके दोस्तों की अम्माएँ हैं, उनका बहुत फीडबैक आ रहा था. बहुत अलग अलग क्लास के लोग जो हैं वो फीडबैक दे रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग फीडबैक. आई थिंक वो ये भी एक स्पेशल बात ये है कि हर तरह की एवरी सोशल क्लास आपको लोग मिल रहे हैं जो हु आर वॉचिंग इट एंड देयर हुक्ड. तो आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है. इनफैक्ट फेसबुक पे देयर आर ऑल दीज वुमेन सेंटर्ड ग्रुप्स जिसमें नॉर्मली उसमें किसी ने हाँ स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया था वही हमारे उसका, तो आई वॉज अमेज्ड कि 90% लोगों ने कॉमेंट करके ये कहा था कि ये होता है, दिस इज हैपनिंग टू मी, दिस इज हैपनिंग टू माई फ्रेंड, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी सास ऐसी है. तो मुझे लगा ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि लोग जो है वो रिलेट कर रहे हैं कि ये तो हमने देखा है एंड दिस इज ट्रू. और जो हमारा प्रोड्यूसर है ना अब्दुल्ला सेजा, बड़ा अच्छा बॉय है, हमारी बड़ी बड़ी दोस्ती है, वो इम्प्रेस इतनी जल्दी होता नहीं है. वो कल हमारी शूट पे आए हुए थे और वो बहुत इम्प्रेस थे, और इसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को पकड़ा है. बिकॉज अब्दुल्ला ने इनिशियली ही ऑफर्ड मी टू कैरेक्टर्स इन दिस, तो अब्दुल्ला ने मुझे पर्सनली बाद में कॉल किया और कहा आई थिंक यू शुड डू इशाल, एंड आई वाज लाइक व्हाई, तो ही सेड क्योंकि द एक्चुअल मीट इज इन दिस कैरेक्टर, ही इज लाइक ये है और ये ट्रैक है और इसमें जो कुछ हो रहा है आई फील लाइक यू शुड डू दिस वन. तो फिर मैंने सीरियसली ये वाला ट्रैक पढ़ा एंड देन आई वाज लाइक ओके आई थिंक आई विल डू दिस. कोई सेट से इंटरेस्टिंग वाकया सुना सकते हैं? क्या मजे का माहौल होता होगा, इतने ढेर सारे लोग आते हो, हल्ला गुल्ला लगा होता होगा भैया, पार्टी चल रही होगी. हम लोग वाकई में पार्टी चल रही होती है, बिकॉज़ हम लोगों का हमने दूसरा सीरियल कर रहे हैं एक साथ, ये पूरा रुबीना जी मैं रबाब, मुझे लगता है मेरी और अली के तो जो ना वो जो रीटेक्स की भी एक अलग से एपिसोड बननी चाहिए, एक एपिसोड बन सकती है. हम बहुत सीन्स में बहुत हंसते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, और मतलब ये कि वो इसीलिए हमें काम का मजा भी आता है. वी सच अ ग्रेट कंपनी टू ईच अदर, आई थिंक वी लिफ्ट ईच अदर अप इंस्टेड ऑफ दिस कि कोई इट्स नॉट टॉक्सिक एट ऑल, इट्स अ वेरी हैप्पी सेट. तो बहुत मजा, नोबडी इज इनसिक्योर के ये सीन ये क्यों यूं क्यों हो रहा है, और फिर अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स हम सेट पे खुद ही सेलिब्रेट करते हैं. तो एवरी सिंगल डे लंच हम तीनों डिसाइड कर रहे होते हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, ये करते हैं, ये मंगवाते हैं. सो वी कीप इट लाइट. और रुबीना जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, शी इज अ सपोर्ट, बहुत बड़ी हमारे लिए इंस्टीट्यूशन इन हाँ, वो हमें बताती रहती है कि नहीं यूं नहीं करो, यूं कर लो, एंड शी इज ऑलवेज राइट. उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि जहाँ पे मुश्किल सीन आता है फंसते हैं तो हम कहते हैं बताएं क्या करें. अभी भी मैं उनका सीन देख रही थी तो कई जगह वो सिर्फ नजर उठाती है, वो जो थॉट वो जो फील सायरा की है ना कि ये इस वक्त इशाल को क्या, वो जस्ट उनकी आईज और उनके फेस से आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये निकलो यहाँ से. और पता है यही वजह है कि ये एक नॉर्मल सास बहू ड्रामा बनकर नहीं. मैं आपसे अगला सवाल ये पूछी थी कि अली आप क्या बोलेंगे, इट इज अ रेगुलर सास बहू ड्रामा और नो? नॉट एट ऑल, नॉट इवन नियर टू दैट कॉन्सेप्ट. इट्स जस्ट दैट रिलेशनशिप वो है बस, ये एक फैक्टर है. अदरवाइज और अगर ये नॉर्मल लोग होते तो इनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती. ये नॉर्मल लोग हैं ही नहीं, तो दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज. ये शिवा का क्या चक्कर है भाई? शीबा को ज्यादा पैसे दे के आप अपनी तरफ कर ले. देखिए शीबा ऐसी बिना वजह तो नहीं फिर रही, शीबा का भी कोई सीन तो होगा.
अच्छा, ये तो शीबा को टच ही नहीं कर रहे थे, इसलिए आपने बड़ी बात, यू वेरी इंटेलिजेंट, आपने शीबा को पकड़ लिया यार। शीबा इज लाइक साइलेंस ना, वहां साइलेंट कल्प्रिट मुझे वो लग रही है। तो अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, आगे जाके पता शिवा जी वी आर वेटिंग टू सी क्या वो जहर वेर वही देगी किसी को, इसमें जहर जहरीला कुछ नहीं, दो टॉक्सिसिटी इन बॉन्ड। अच्छा, ड्रामे पे काफ़ी हमने गुफ्तगु कर ली बिकॉज इट्स रिलेटेड टू शादी एंड रिलेशनशिप। तो आजकल मैं ऐसे सवाल पूछ रही होती हूँ, आप दोनों मैरिड हैं माशाल्लाह से, तो आई वॉन्ट टू नो कि what do you guys think, आजकल हमारे यहाँ शादी इतनी फ्रेजाइल क्यों हो गई है, इतने हम केसेस सुनते हैं, इतना हम देखते हैं, बहुत से जो यंग लोग हैं वो शादी नहीं करना चाहते, शादियाँ बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर रही हैं, आप आसपास देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन है, व्हाई डू यू थिंक सो दिस इज़ हैपनिंग? आई थिंक बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं, ये जो हमारा वाला वक्त है ना, इसमें चैलेंजेस ज़्यादा है। जब मैं हमारे अम्मा अब्बा वाला वक्त देखती हूँ ना, मुझे लगता है सिंपल लोग थे, कम एवेन्यूज थे, कम एक्सपोजर था। अब जो टाइम है ना, तो वो ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप चैलेंजिंग है, बिकॉज एक तो व्हेन योर माइंडसेट हैज़ चेंज्ड, दोनों लोग इंडिपेंडेंट हों, दोनों लोग उनके एम्बिशंस हों, गोल्स हों, तो उनको साथ में आना वैसे भी हमेशा चैलेंजिंग होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ आवर पेरेंट्स मैरिजेस, तो वो एक फ़र्क टाइम होता था उस वक्त, सिंपलर वैल्यूज़, कंजर्वेटिव सोसाइटी। अब ये है कि हम वी आर इन द मिडल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, और हमें सब कुछ करना है, और अपने हाँ कल्चरल ट्रांजिशन के टाइम पे हैं, और हम सब कुछ करना भी है, और फिर हमें वो भी करना है जो हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ हैं। तो आई थिंक उस वजह से स्ट्रगल ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये कि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि मेंटल हेल्थ को हम इन टर्म्स ऑफ कपल्स थेरेपी एज वेल एंड इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग एज वेल, हम चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। सो जो इशूज़ अराइज होते हैं, यू नेवर रिजॉर्ट टू काउंसलिंग, यू नेवर रिजॉर्ट टू सॉर्ट ऑफ व्यू इट एज एन इशू, आप उसको उस तरह नहीं डील करते, आप उसको उसी तरह से ट्रेडिशनली जिस तरह डील करते हुए आ रहे हो, तो उसमें फिर लोग दो ही बातें करते हैं कि छोड़ दो, अलग हो जाओ, या इसी तरह लड़ लड़ के साथ रहो कॉम्प्रोमाइज करके। तो या तो एक बंदा गिवन करे, ये नहीं होता कि हम इसको मीडिएशन से ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ बोथ ऑफ अस आर इन अ हेल्दी पोजीशन मेंटली एंड हम दोनों को रिजॉल्व हो रहा हो ये इशू। सो आई थिंक दिस इज़ वन कॉन्वर्जेशन। दूसरी चीज़ ये, वाकई में एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज़ वेरी क्रूशल कि जो आपके साथ आपका पार्टनर हो और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो एंड बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज, और ये आसान काम नहीं है। तो जो मैरिजेस फिर ये होता है कि यू डोंट मीट ईच अदर हाफ वे, वो नहीं चल पाती हैं, वहाँ पे इश्यूज आते हैं फिर। आप क्या कहेंगे अली? यार मुझे ये लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बात है, और इसमें किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। तो रबाब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो वो नॉट नेसेसरली वुड मीट योर पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल। मुझे लगता है कि शादी को ना हमारे यहाँ पर देखा जाता है एज फैंटेसी। इट्स नॉट अ फैंटेसी रिलेशनशिप, आपने बहुत पते की बात। हाँ, इट्स अ रिलेशनशिप विच इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइजेज, एंड जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं तब हमारी शादी सही चलना शुरू हो जाती है। जब तक हम उसे एज फैंटेसी लेके चलते हैं, तो तब तक वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते, और एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो फेलियर होता है। सो मुझे लगता है कि द सक्सेस ऑफ अ हैप्पी मैरिज इज़ दैट यू मीट ईच अदर हाफ वे। आई सी हर हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, माशाल्लाह, मैंने देखा है कि किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं। इट्स अ वेरी टफ जॉब टू मैनेज बोथ योर जॉब एंड होम, तो वो मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह मेरी वाइफ इज बीइंग वाइफ ऑफ एन एक्टर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो वो उसकी बहादुरी है कि वो इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। फिर कई चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, कई बातों में मुझे करना पड़ता है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बाकी लव, अफेक्शन, कुछ भी इस तरह की जो चीज़ है, फीलिंग है, वो तो आपके बीच में डेवलप होती है, तभी आप एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। जब नहीं रहती तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ की बेस पे रह लेते हैं, और जब इट कुत्ते का वैर हो जाए तो आप तलाक ले लेते हैं। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल। तीन चीज़ें क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे दोनों कि शादी को बेहतर बनाने, या शादी में एक इंसान को कर सकता है, या इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक प्राइमरीली रिस्पेक्ट, आपको एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर, फॉर बोथ द पार्टनर्स होना चाहिए, कि आप दूसरे बंदे को जब तक रिस्पेक्ट देंगे यू विल गेट दैट इन रिटर्न। और जब आप वो बैरियर क्रॉस करते हैं ना, देन थिंग्स गेट बैड।
दूसरा ये है कि अगर आपने साथ रहना है, को एग्जिस्ट करना है, लाइक अली टॉक्ड अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस, तो आपका आपस में ट्रस्ट लेवल एक दूसरे के लिए वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है और वो आपको बिल्ड करना पड़ता है. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो उस तरीके से रिस्पेक्ट ट्रस्ट या दो चीज़ें आपके एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मोहब्बत होती है तभी आप शादी करते हैं, वरना तो नहीं. सो अंडरस्टैंडिंग से आप रबाब क्या बोलिए, बिकॉज मुझे लगता है ये बड़े बड़े लव्स बोल देते हैं लेकिन लोगों को प्रैक्टिकल अगर हम बोलें तो अंडरस्टैंडिंग से आपका क्या मुराद होगी कि जो दूसरे की सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें, दूसरे एक्सेप्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग को आप एक जगह एक दूसरे के साथ बोलेंगी कि मतलब ये हो सकता है. हाँ, अंडरस्टैंडिंग इस तरह से कि अक्सर ये होता है ना कि रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं एक बंदे को प्रायोरिटी मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है. तो वो इक्वेशन क्यों होती है, बिकॉज वन पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे की क्या सिचुएशन है और वो उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है बट सामने वाला नहीं कर रहा होता. तो आई फील लाइक इट हैज़ टू बी म्यूचुअल. आपको दोनों को एक दूसरे को समझना है, दोनों को एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन कि यार इसके क्या गोल्स हैं, इसको जिंदगी में क्या करना है, मुझे क्या करना है, एंड देन यू को एग्जिस्ट. और ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, ऐसा हो सकता है. यू कैन हैव दैट परफेक्ट बैलेंस, दैट परफेक्ट रिलेशनशिप. जो आप ये कह रही हूँ उससे मुझे ये भी समझ आ रही है कि हम ये नहीं सोचें कि चेंज कर लें हम दूसरे बंदे को, हमें उसको उसके गोल्स और उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक्सेप्ट करना है. बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज अगर आप शादी करके दूसरे को अपना प्रोजेक्ट बना लें और सोचें कि यार मैंने तो अब इसको बदलना है, इसको मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो क्योंकि फिर दूसरा भी आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा ना, फिर आप भी अपनी वैल्यूज और अपने ड्रीम्स. क्योंकि व्हेन यू मैरी अ पर्सन यू शुड एक्सेप्ट देम एज इट इज, कि ये ठीक है इससे शादी की है, दिस इज हु ही इज एंड दिस इज हु ही वांट्स टू बी, बिकॉज हम साथ में एक दूसरे को पेरेंट करने के लिए तो नहीं है. वो तो वी आर ऑल ग्रोन अप्स. ये हमारे यहाँ हो गया है ना, हमने बड़ा रख लिया है, बीवी आएगी चेंज कर देगी, मियाँ जो है वो थोड़ा सा बीवी को कुछ कह देगा. ये वही वाली बात है जो आप ईशाल की बात कर रही थी कि शादी से पहले जॉब करती थी अब नहीं करती. तो वो हम ये होता है कि शादी उससे की है जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन शादी करने के बाद कि अच्छा यार तुम सब छोड़ दो, तुम घर में बैठ जाओ. तो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, आई फील लाइक फिर इसमें रिजेंटमेंट बिल्डअप होती है, लोग बिटर हो जाते हैं आपस में. आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये लगता है कि यार इस बंदे की वजह से मैंने वो चाहे कितना भी बोले दिल में रह जाता, दिल में रह जाता है. अली आप क्या कहेंगे, क्या तीन चीज़ें या हमारी डिस्कशन पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली ये तीन चार चीज़ें तो बेसिक्स हैं, लेकिन मैं जो चीज़ एक क्लियर करना चाहता हूँ ना, मुझे लगता है हमारे यहाँ पर अब कॉम्प्रोमाइज़ को एक बहुत सिंपथेटिक वर्ड समझा जाता है. यार कर लेना कॉम्प्रोमाइज़, यार वो बेचारी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है या वो बेचारा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है. कॉम्प्रोमाइज़ फॉर मी इट्स नॉट पिटीफुल वर्ड, पिटीफुल सिचुएशन नहीं है, सिंपथेटिक सिचुएशन नहीं है. कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यही ना कि अच्छा यार मैंने आज फलां जगह जाना था, तुमने जाना है तो तुम चली जाओ, चलो मैं कल चला जाऊँगा. दैट्स कॉम्प्रोमाइज़. कॉम्प्रोमाइज़ इज छोटी छोटी चीज़ें. अगर मैं 10 बजे मेरा बैकअप होता है और 10:30 बजे मैं घर पहुंचता हूं, तो मेरी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी. ये उसकी चाहत भी है और ये कॉम्प्रोमाइज भी कर रही है. सो ये नेगेटिव कॉनोटेशन में अगर वो कल को मुझे कहेगी कि तुम्हारी वजह से मैं 10:30 बजे खाना खाती थी, तो मैं उसको क्या कहूंगा इस बात पर? या मैं अगर अपनी बीवी को इसी तरह किसी छोटी मोटी बात पर कह दूंगा कि मैं बच्चे सेट पर लेकर चला गया था, मेरे बच्चे भी हैं, वो घर मेरा भी है, वो लाइफ नहीं है, वो लाइव्स हैं जो हम दोनों की कनेक्टेड है. ओनरशिप, वो ओनरशिप बहुत जरूरी है शादी चलाने के लिए. बाकी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, ऑब्वियसली ये किसी भी रिलेशनशिप के इंग्रेडिएंट्स हैं. आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती होंगी तो आप मेरे साथ बैठ ही नहीं सकेंगी, मेरा ओपिनियन ले ही नहीं सकेंगी. हम जनरली भी हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, प्यार, और प्यार एक ही तरह का थोड़ी होता है. मैं तो अपने दोस्तों को भी आई लव यू कहता हूँ. हमारे यहाँ पे एक टैबू का आई लव यू का है क्या? ये हमें थोड़ा सा इसके अंदर से ब्रेक फ्री करना होगा मेंटली. यार इन ये जो बातें हैं इनके मतलब बड़े हैं, अलग हैं. यू कैन लव योर फ्रेंड्स, यू कैन लव योर सिबलिंग्स, यू कैन लव योर वाइफ, यू कैन लव एनीबडी दैट यू वांट. या आप लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जो आपने पहले बोला था कि कल्चरल ट्रांजिशन में हम लोग फंसे हुए हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर आपने बात बोली कि उसी ट्रांजिशन का हिस्सा करते करते हमने ना शायद कॉम्प्रोमाइज़ को मैं भी बोलूँगी कि मैं भी कहती हूँ कि नहीं मुझे वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं यूज़ करना. एंड आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये तो मोहब्बत की चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं, तो उसको हम नेगेटिवली नहीं सोचें, उसको रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसमें बिटरनेस नहीं होनी चाहिए कि वो चलाने के लिए. जब आप उसको नेगेटिव होके करेंगे तो आप बिटरनेस तो आएगी, आप कहेंगे यार मैंने तेरे लिए ये किया था भाई, तो ये क्या हुआ. सो वो नहीं होना चाहिए.
अच्छा हमारे यहाँ मैरिज काउंसलिंग को भी बिल्कुल ही मैं तो नहीं सुनती आसपास, बहुत बहुत कम. इनफैक्ट लोग बोलते हैं ओ इसका मतलब है शादी में कोई मसला है तो टूटने वाली है, अल्लाह माफ़ करे, तभी ये लोग जा रहे हैं. तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? क्योंकि मुझे लगता है कि बजाय इसके कि हम वेट करें उस स्टेज पे शादी पहुंचे जहां पर हम जाएं कि यार अब कुछ करके जोड़ दो, अगर पहले से ही कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं या कुछ मसले हो रहे हैं तो देर इज़ नो हार्म कि आप दोनों जाके कंसल्ट करें किसी एक्सपर्ट को, मे बी रिजॉल्व करें. एक थर्ड बंदा जो आपकी ना फैमिली से हो ना कोई और फ्रेंड से हो जो साइड नहीं हो, वो ऊपर से आपको एक एक बैलेंस्ड व्यू दे जिसे आप लोग आगे बढ़ सकें, तो कोई हर्ज नहीं है. सो What do you think about it? And अल्लाह ना करे कभी भी आप लोगों की शादियों में, but अगर हो कभी अल्लाह ना करे, तो would you take this step? I think there is no harm in taking it, and I think वही conversation है जो हम stir करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि marriage counseling भी बाद में आती है ना, हम तो यहाँ पे therapy को for an individual भी importance नहीं देते. तो जब ये चीज़ normalize होगी ना कि there is nothing wrong, कि अगर आपको थोड़ा सा help चाहिए, therapy चाहिए, and it is improving your life, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. तो जब आप उसको इस तरह अप्रोच करेंगे तो आई थिंक मैरिज काउंसलिंग तो इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, कि दो लोग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कमिंग टुगेदर, उनके बीच में मसले हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं विच नीड रिजॉल्विंग, एंड शायद उनको साथ में को एग्जिस्ट करना नहीं आ रहा. तो इफ़ अ क्वालिफाइड पर्सन सिटिंग बिटवीन यू कैन टेल यू एंड हेल्प यू आउट कि आप किस तरह से अपने मसलों को एड्रेस करें, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट. और वाकई में मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट आती है, वेयर हेल्प इज पॉसिबल, रिलेशनशिप्स बेहतर भी हो जाती हैं, लोगों के माइंडसेट्स भी चेंज हो जाते हैं. तो आई फील लाइक हमें इसको अब डीस्टिग्मेटाइज करना चाहिए इस चीज़ को. बड़ी लिखी बात है. आई थिंक कि जब तक मेंटल इलनेस को हम सीरियस नहीं लेंगे तब तक हम पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहे. कोई कमरे में लेट के 10 दिन आइसोलेट करके ठीक नहीं हो सकता. एक्चुअली वो ज़्यादा ट्रिगर होता है, डिप्रेशन ज़्यादा ट्रिगर होता है. सो कोविड होता है हम टेस्ट कराते हैं, बुखार होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं. इसी तरह अगर आपको लग रहा है दैट यू नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद योर पार्टनर, यू शुड गो टू अ थेरेपिस्ट फॉर योर कपल थेरेपी. व्हाई नॉट, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा. हमारा प्रॉब्लम क्या है, ईगो. ये ईगो है जिसकी वजह से हम थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते. ये ईगो है जिसकी वजह से हम कपल थेरेपी पे नहीं जाते कि अच्छा यार अगर उसने कह दिया कि यार रबाब ठीक कह रही है तो मैं तो नीचे हो जाऊंगा, मेरा तो पॉइंट खराब हो जाएगा, तो मैं क्यों जाऊं कपल थेरेपी पे, कोई कैसे मुझे बताएगा. क्योंकि अपने आप को गलत तो कोई कहना ही नहीं चाहता ना. जो आप रियलाइज नहीं करते वो ये कि वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, उन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, वो पढ़ लिख के प्रैक्टिस करके आपके पास पहुंचे हैं, तो आपको वो बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं जो आप कुछ शायद पता है, बट कुछ बातें होती हैं जो आपके ऊपर री इन्फोर्स हों तो आपको समझ में आती हैं. यू वॉन्ट समबडी एल्स टू टेल यू कि यार जिगर यही करो, फिर आप कहते हैं हाँ अब मैं यही करूँगा. सो कपल थेरेपी पढ़ी लिखी चीज़ है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन. क्योंकि बहुत सारी दफ़ा आपके अपने घरों की इतनी डिसफंक्शनल प्रैक्टिसेस होती हैं जो पास ऑन हो रही होती हैं और हमें जिंदगी में पता ही नहीं होता कि ये डिसफंक्शनल बिहेवियर है. सो मे बी गोइंग टू द थेरेपिस्ट वुड हेल्प यू कि आपको पता चलेगा कि ये जो प्रैक्टिस आप देखते आ रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, मे बी इन योर लाइफ आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है. माई लास्ट क्वेश्चन, थप्पड़ की बात हुई, हमारे यहाँ फैमिलीज में भी जब ये कपल से दरमियान होता है तो अगर लड़की आके बता भी दे अपने पेरेंट्स को तो मोस्टली कोई इंटरफेयर नहीं करता, यू नो, और उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि वो फिर अगर अब्यूज़ हो रहा है तो होता भी जाता है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही होती इस साइड से. एक रीज़न ये भी नहीं होता पेरेंट्स का जाके करने का कि वो यू नो मे बी जस्ट वन ऑफ थिंग और उसको शर्मिंदगी होगी, यू नो लड़कियाँ भी बहुत दफ़ा इस बात से कि यार ये मियाँ को शर्मिंदगी होगी. हाउ डू यू थिंक इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, माँ बाप को या माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से या लड़की को, अगर एक दफ़ा भी ये सिचुएशन हुई है, थप्पड़ यूज़ किया गया है या फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है रिलेशनशिप में और बेटी ने आके माँ बाप को बताया, इन योर ओपिनियन कोई एक चीज़ है जो करनी चाहिए? नहीं, आपको यू शुड नेवर नॉर्मलाइज इट, यू शुड नेवर बी ओके विद इट. आपको यू आर ऑलवेज सपोज टू स्टैंड अप अगेंस्ट इट. आई थिंक प्राइमरी कॉन्वर्जेशन यही है कि डोमेस्टिक अब्यूज इन एनी फॉर्म, वेदर इट्स इमोशनल, फिजिकल, इन एनी वे, इट इज़ नॉट ओके एंड यू शुड नॉट सपोर्ट इट. माँ बाप के लिए ऑनेस्टली इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपका बच्चा आपके पास आके और आपसे ये बात कर रहा है कि दे आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली. बट वुड यू एडवाइस कि वो जाके दामाद से बात करें? मुझे लगता है कि बिल्कुल, व्हाई नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. हम जो बात कर रहे हैं ना इधर, वो एक ड्रामे में वो एक इशू को हाईलाइट करने की है. वी आर शोइंग यू व्हाट एक्चुअली हैपेंस.
इन सोसाइटी बट हियर इन नो एक्जेक्टली इसीलिए मैंने बात की कि हमें इस पे भी बात करनी इशू तो हम सबको पता अब हमें इस तरफ भी जाना चाहिए कि यार इस इशू को रिजॉल्व करने का क्या तरीका क्या तरीके हो सकते हैं और अभी जरूरी नहीं है कि हम अभी बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे एटलीस्ट हम सोचना तो शुरू करें यार ये कब से हो रहा है और इस वजह से वो रुक भी नहीं रहा है अभी तक आई थिंक सबसे प्राइमरी स्टेप तो ये कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए कि जहाँ पे योर चाइल्ड कैन कम अप टू यू एंड कंप्लेन क्योंकि आधा वक्त तो सप्रेस ही करते रहते हैं ना कि नहीं अगर कोई मसला है भी तो मत बताओ मत इशू खड़ा करो पुट अप विद इट सो आई थिंक ये बिहेवियर सबसे पहले खत्म होना चाहिए कि जहाँ पे पेरेंट्स शुड बी सपोर्टिव इनफ कि अगर इफ योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस तो आप पूरे तरीके से सपोर्ट करें और हेल्प करें एंड नो इट इज नॉट बताओ कि लड़की के पीछे खड़ा है पहली बार पे आप तंबीह कर दें बिल्कुल तो थोड़ा सा ज़हन में आएगा अली आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात नहीं मुझे तो लगता है कि अगर किसी लड़की को कोई थप्पड़ मारे तो लड़की को उसी वक्त उसे थप्पड़ मारना चाहिए उसी वक्त थप्पड़ मार बट अब्यूज इन रिस्पॉन्स टू अब्यूज वुड नॉट एंड अनदर थिंग ऑल्सो इज दिस कि वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन दिस कि जो माएँ बेटे रेस कर रही हैं वो किस तरह के बेटे रेस कर रही हैं क्योंकि लड़की के माँ बाप के पास तो बात खराब होने के बाद आ रही है लेकिन जहाँ से डोमेस्टिक अब्यूज इनिशिएट हो रहा है वो तो उस पेरेंटिंग से हो रहा है ना कि जहाँ आपने अपने बेटे को उस लेवल पे एजुकेट नहीं किया कि उसको नहीं पता कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट बी डन सो प्लीज डू नॉट रेज सन्स हु डू समथिंग लाइक दिस और लड़की के पेरेंट्स को डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए वही बात है कि सबसे पहले तो जो मुझे लगता है ना हमें स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना है खुद ही से हम बहुत से चक्रों में पड़ गए हैं आपकी जो वो बात थी ना कि डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं शादियां टूट रही हैं हम बहुत से और चक्रों में पड़ चुके हैं जिनके हमें उस तरह नॉलेज नहीं है लेकिन हम चार्ज्ड अप हैं ये करना है फलान चीज़ करनी है मैं कहता हूँ कि आप ह्यूमनिस्ट क्यों नहीं बन सकते वाई कांट यू बी and treat people like human beings why do you want to disintegrate them into genders and then talk about it mere ghar mein meri beti ke jo rights hai wo mere bete ke bhi hain koi badi boti koi choti boti kisi ke liye nahi rakhi gayi aur ye bahut clear hai meri biwi ke sath meri baat aur mere apne andar hi jo meri beti ka hai wo mere bete ka hai jo mere bete ka hai wo meri beti ka hai ek baat dusri baat ye कि मेरा बेटा अगर किसी लड़की पे हाथ उठाएगा तो मैं अपने बेटे के हाथ तोड़ूंगा कि आउ डेयर यू तुमने किसी के ऊपर हाथ उठाया क्यों और मैं उसको कहूंगा कि अब इसने तुम पे जिस तरह हाथ उठाया तुम भी उसी तरह उठाओ जब इवन हो जाओगे फिर हम इंटरवीन करेंगे उसके उससे पहले हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है अब उससे पहले आप खुद डील कर लें सो माई सजेशन टू एवरी गर्ल इज नो योर वैल्यूज योर सेल्फ डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि आप कौन है और क्या है यू शुड नो बेटर कि आप कौन है और जब आप खुद को पता चल जाएगा ना तभी आप कुछ कर पाएंगे कोई तो आके आपको कुछ भी बता सकता है गलत सही आपको जानना है कि आपको क्या करना है सो या आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग कि अगर आप इंटरवीन ना करें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बोथ ऑफ यू उनकी बड़ी कॉल्स आ रही हैं जो बार बार नीचे अपने सोफों में देख रहे थे वो फोन आ रहे हैं साइलेंट कर रहे हैं Back to Rabia's question. Nee, thank you so much for your time. I think अच्छी conversation हुई है आज मज़े की हमने बातें की हैं and I really really hope कि जितने भी topics discuss किए हैं लोग उनके बारे में सोचें बात करें क्योंकि we do know के issues exist करते हैं it's time we need to start finding solutions you know ये drama जो दिखा रहा है मुझे हमेशा थोड़ा honestly speaking मसला रहता है जो topics use किए जाते हैं long series में serials में I will not say 9-7 या किसका time है but लेकिन ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बड़े रेलेवेंट और बड़े इंटरेस्टिंग इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा है जो हमें सोसाइटी में नज़र आते हैं और आई रियली होप कि ड्रामा हमें थोड़ी सी गाइडेंस भी देगा कि इनको किस तरीके से इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं या ना तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस या एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट सच पढ़ी लिखी बातें एग्जैक्टली विदाउट रिव्यूइंग दैट वन क्लिप ओनली एंड थैंक यू फॉर वाचिंग इट बिफोर इंटरव्यूइंग अस क्योंकि हैविंग योर फुल रिसर्च ओवर द इशू And I've been really impressed. Absolutely. कि किसी पढ़े लिखे ने तो उठाया इस बात. नहीं राबिया की तारीफों का सेशन. नहीं नहीं वो कैमरा बंद करके. देखिए जहाँ पे आपकी तारीफ ड्यू है वहाँ पे तो करनी बनती है. Because we've been through some 9-10 days का फेज जहाँ पे बहुत सी बातें हमने सुनी देखी. But we thought कि हम तो अपने मैसेज पे काम कर रहे हैं. We haven't glorified the थप्पड़ in any way.
and we have a bigger purpose to serve. Chali ji, we wish you best of luck for your future projects and with Angna. Thank you. Thank you.